ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स आज सैटरडे है इसलिए आज मैं एक लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि अब आप प्रत्येक सैटरडे मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे अब मैं तब आऊँगा वेन एवर देर इज एनी इंपॉर्टेंट इशू टू बी डिस्कस्ड बाई मी एंड दिस इशू शुड बी आइदर नेशनल और इंटरनेशनल हम उसमें कोई एक लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं खींचेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इशूज होता है उसे हिस्ट्री के नज़रिए से देखना बहुत ही आवश्यक है आपको याद होगा पिछले वीक में मैंने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया था वह था अफगानिस्तान की समस्या वो आज भी बर्निंग है उसे पूरी दुनिया अभी हतप्रभ होकर देख रही है कौन सी दिशा लेगी कहना मुश्किल है मैं भी इंतजार में हूं कि उसका कोई रचनात्मक ऐसा सल्यूशन निकले तो मैं फिर एक लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ लेकिन अफगानिस्तान के इशू को डील करने में एक बहुत बड़ा नेशनल इशू हमारे हाथों से निकला जा रहा है हम सोचते हैं कि खासकर इस नई पीढ़ी को जो आप कह सकते हो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की उपज हैं उनको विशेष रूप से इस इश्यू का ज्ञान होना चाहिए और हमारे सारे इंडियंस जो किसी भी एज ग्रुप में हैं, वह भी इस घटना को स्मरण करें देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि भारत का विभाजन क्या याद रखें एवं क्या भूलें पार्टीशन ऑफ इंडिया व्हाट टू रिमेम्बर एंड व्हाट नॉट मैंने जैसा कि आपको बताया है कि यह लेक्चर हमने क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में रखा है प्राय मैं दो प्रकार का लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं एक प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज और दूसरा क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज आप लोग जैसा कि आप लोगों ने सूचना दी है इन लेक्चर से आप लोग काफी लाभान्वित हुए हैं और जैसा कि मेरा उद्देश्य है मैंने आपको कहा है कि हम इन लेक्चर्स के माध्यम से आपको देखने का नजरिया बदलना चाहते हैं क्रिटिकल थिंकर बनाना चाहते हैं जो आपको प्रत्येक एग्जामिशन में काम आने वाला है क्रिटिकल थिंकर का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ उसके आलोचनात्मक पक्ष को यानी सिर्फ उसके नेगेटिव पक्ष को देखें क्रिटिकल थिंकर का मतलब है कि उसके सारे पक्षों पर हमारी निगाह होनी चाहिए तो क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में जैसा कि पीछे भी मैंने कई टॉपिक्स में आपको कहा है कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे लेकिन जज आप होंगे और हमारी खास के नई पीढ़ी के हमारे व्यूअर्स जो ट्वेंटी सेंचुरी में की उपज हैं उनसे मैं पहले ही एक दरख्वास्त करूंगा यानी क्षमा मांगूंगा कि मैं इस लेक्चर में आई एम नॉट गोइंग टू यू कैन सी डिस्कस अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स मैं घटनाओं को कालक्रम में आपके लिए नहीं ला पाऊंगा क्योंकि यह मेरा प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज नहीं है लेकिन हाँ इसमें मैं सभी पक्षों को रखूंगा थोड़ा सा यहाँ आपको सपोर्ट लेना होगा कि अगर उस क्रोनोलॉजी को आप किसी दूसरे सोर्स से जान ले तब तक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो मैंने क्लास में ऑलरेडी कवर कर दिया है और बहुत अच्छे ढंग से इंटीग्रेट कर दिया है तो समस्या नहीं है जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं और जो व्यूअर्स हैं जो सीनियर व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी एनलाइटेंड हैं और एनलाइटेंड का मतलब काफी स्टडी किया हुआ है तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है चलिए इस पर हम पहले विचार करते हैं देखिए पहली चीज है कि जो हम सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है और इसकी व्याख्या हम कैसे कर पा रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यह है कि भाई पार्टीशन पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे डे मतलब इसको अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो विभाजन की विभिषिका के आस्मरण करने की तिथि और यह तिथि होगी फोर्टीन ऑफ अगस्त अब तक केवल हम लोग फिफ्टींथ ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे थे अब हमारे समक्ष फोर्टीन ऑफ अगस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन एक इंपॉर्टेंट घटना के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो गई और इसकी वजह यह है कि 14 अगस्त के दिन हमें स्वतंत्रता की खुशी के साथ साथ विभाजन पर भी आंसू बहाने हैं अब देखिए मैं यहां अपना पोजीशन आपको स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी पक्ष को लेकर यहां नहीं चल रहे हम आपके सामने यथातथ चीजों को रख रहे हैं अब जब फोर्टींथ अगस्त को यह उद्घोषणा हुई तो तीन तरह के विचार सामने आए हैं और मैं वो तीन प्रकार के विचारों से आई हैव टू मेक यू फैमिलियर विथ ऑल द इन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि भारतीय स्कॉलर्स का एक महकमा रहा है जो शुरू से इस बात की हिमायत करता रहा है कि देखिए फ्रीडम के साथ आप पार्टीशन को ना भूलें मैंने भी एक लेक्चर इस पर दिया था और वो लेक्चर का हालांकि मैं टाइटल नहीं दे सका पता नहीं बच्चे उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं वो मैंने उस लेक्चर में मेरा मुद्दा यह था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया द डे ऑफ सेलिब्रेशन और डे ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब ये हमारी आत्म परीक्षण की आत्मनिरीक्षण की तिथि है या, या हमारे लिए उत्सव की तिथि तो और आपको याद होगा कि वो लेक्चर हालांकि मैंने स्टडी के चैनल से नहीं दिया था मैंने उसको दृष्टि के चैनल से दिया था स्वतंत्रता और विभाजन उसका टाइटल है और उसमें मैंने जो घटनाक्रम आरंभ किया है उसमें कुछ दंगों के दृश्य के साथ कुछ इस तरह के होलो कॉस्ट जो हो रहा है कहीं आग लग रही है कहीं कोई घटना हो रही है लेकिन मैं उस पर फिर मैंने इधर स्वतंत्रता और विभाजन इन दोनों को पैरल में लेकर चला कि कैसे हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े उसी के साथ विभाजन की तरफ भी बढ़ते गए तो यह चीज़ जो अगर हाई पॉलिटिक्स जिसको मैं बता रहा अगर हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लेक्चर को देखिए आपको तस्वीरें साफ हो जाएंगी लेकिन मैं यहाँ पर यह बताना चाहता कि वह मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है यहाँ मेरा उद्देश्य कुछ और है मूल्यांकन करना स्थिति का और फिर फ्लैशबैक में जाना लेकिन फ्लैशबैक में मैं घटनाओं को क्रमबद्धता के साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में याद करूंगा तो मैं जब छोटे छोटे टुकड़ों में याद करूंगा तो हो सकता है कि जिन्हें जिन्हें पूरा काल क्रम का ज्ञान ना हो वो थोड़ा अनक अनकम्फर्टेबल महसूस करें लेकिन विचारों को तो समझ ही सकते हैं एक हिस्टोरियंस का महकमा रहा है जिसने पार्टीशन को दूसरे रूप में देखा है उसने कहा है देखिए मैंने कुल मिलाकर आप यह देखिए कि नाइनटीन के बाद एक ऐसा दौर चला पार्टीशन के स्टडीज में स्कॉलर्स का हमें याद है कि 1995 में हमने ज्ञानेंद्र पांडे की बुक पढ़ी थी तो वहाँ एक मुझे अलग तरह का एहसास हुआ था और उसके बाद मैंने कई बुक जैसे उर्वरसी बुटालिया की पढ़ी है इस पर मैंने आशीष नंदी का भी पढ़ा है बहुत सारे स्कॉलर्स को पढ़ा है मैंने सादत हसन मैंटो को भी पढ़ा है तो ये जो नए ट्रेंड आए वो मैं आपको यह बताना चाहता कि पहले जो ट्रेंड था जो पार्टीशन का स्टडी होता था उस उसका नाम दिया जाता था हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन तो आपके मन में जिज्ञासा होगी ये हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन क्या होता है तो हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन का मतलब है कि दिल्ली में बैठा हुआ लाहौर में बैठा हुआ लंदन में बैठा हुआ ये हुक्मरानों ने किस प्रकार भारत के भविष्य को तय किया किस प्रकार भारत को दो टुकड़ों में बांटा गया हमने क्या खो दिया किस तरह से हमारे किन नेताओं ने क्या गलती की किस प्रकार से जिन नया मुस्लिम लीग का पॉलिटिक्स क्या था गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कांग्रेस की नीति क्या थी इसके अलावा जो बहुत सारे हिंदूवादी संगठन थे जैसे हिंदू महासभा आर उनकी क्या भूमिका थी लेफ्टिस्ट पार्टी में कॉम्युनिस्टों की और सोशलिस्टों की क्या भूमिका थी तो जब इस नज़रिए से हम चीज़ों को देखते थे दैट वाज कॉल्ड हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसमें मुख्य रूप से वो स्कॉलर्स का जैसे आप जब जाएंगे तो देखेंगे हिस्ट्री में भी एक हिस्टोग्राफिकल स्कूल होता है जो समय के साथ बदलता रहता है उनका मानना होता है कि देखिए अब पढ़ने की प्राथमिकता बदल गई है इसलिए हमारे देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए तो उसमें एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स को उसका नाम है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स इंडिया में पोस्ट मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स का एक ब्रांच हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आप कह सकते हैं सवाल्टन हिस्टोग्राफी का विकास हुआ सवाल्टन हिस्टोग्राफी इसके रंजीत गुहा फाउंडर थे पार्थ चटर्जी ने उसमें भूमिका निभाई और उनका विशेष रूप से कहना है कि देखिए किसी चीज़ का आप स्टडी करते हो तो आप नेताओं की भूमिका को बहुत बढ़ा देते हो नेताओं की भूमिका को मत बढ़ाइए बिकॉज लीडरशिप इज नॉट गिविंग अ डायरेक्शन टू द मूवमेंट बट रेदर द प्रेशर कम्स फ्रॉम द बिलो नीचे से दबाव आता है जो पूरे आंदोलन को दिशा देता है तो कभी भी अगर आंदोलन को समझना है तो कॉमन पीपल के मेंटेलिटी को समझो क्योंकि लीडरशिप तो अपने आप को ऊपर से थोपता है अब ये ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने कुछ नए आयाम जोड़े उन्होंने कल्चरल स्टडीज को भी इम्फेसाइज किया पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टडी आप कर सकते हैं सवाल्टन स्टडीज कर सकते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ एक और भी ग्रुप आ गए जिनमें कर सकते हैं फेमिनिस्ट फेमिनिस्टों तो का कहना है या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो डिप्रेस क्लास पीपुल हैं जो दलित वर्ग या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो निम्न जाति के लोग हैं उनको भी अपने एमबिट में लीजिए मतलब उनका कहना है कि देखिए हमें इसे विशेष मतलब नहीं होना चाहिए कि, कि किसने क्या गलती की जो गलती उनको करनी थी उन्होंने तो कर डाली लेकिन जो कॉमन पीपल पर जो इसका एक तरह से इम्पैक्ट पड़ा जो होलोकॉस्ट हुआ जो जनसंख्या का ट्रांसफर हुआ जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इस ओर से उस ओर गया और उस ओर से इस ओर आया लगभग दुनिया के दस त्रासद में यह घटना थी द यू कैन जस्ट काउंट इट इन वन ऑफ द टेन मोस्ट ट्रेजिक इवेंट्स इन द वर्ल्ड और अनुमान तो किसी को नहीं है लेकिन दस लाख से ज्यादा लोग वन मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए दंगे में और लगभग डेढ़ करोड़ पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र हुआ जो आपको काउंटिंग में है वो आपको वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहा हूँ पंजाब में और जहाँ तक ईस्टर्न बॉर्डर की बात है जिसको आप बंगाल कहते हो उसमें तो बड़ा ही एक तो वहाँ पर शुरू हुआ थोड़ा सा वो दौड़ ज़्यादा देर और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका गांधी जी की रही जिसकी हम चर्चा करेंगे दूसरा कि वो वहां पर बहुत लो इंटेंसिटी माइग्रेशन हुआ है लो इंटेंसिटी जो आज भी समस्या बनी हुई है वहां वो लो इंटेंसिटी का मतलब धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ है तो इसलिए उनमें हम टोटल नहीं काउंट कर सकते हैं कि कितनी रिफ्यूजीज डिस्प्लेस्ड हुए डिस्प्लेसमेंट का करोड़ों में आप संख्या काउंट कर सकते हो मौत की संख्या भी दस लाख ही पर्याप्त नहीं होगी कितने मरे कितने स्टारवेशन से मरे और सबसे बढ़कर एक पीढ़ी के लोगों ने जो अपनी मानसिक वेदना झेली जो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने सी बुटालिया रितु मेनन ज्ञानेन्द्र पांडे भल्ला आशीष नंदी बहुत सारे स्कॉलर्स ने उन मेंटेलिटीज़ का अध्ययन करने की कोशिश की अभी मैंने अमरजीत सिंह एक स्कॉलर के बारे में पढ़ा है बेसिकली बहुत इसमें अब देखिए अब इसमें हिस्टोरियंस के साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिले हुए हैं बहुत सारे जो लिटरेरी पर्सनस हैं वो मिले मिले हुए हैं और उन्होंने पूरा डायमेंशंस बदल दिया कि देखिए अब आप हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन को छोड़िए आप पार्टीशन लिटरेचर के जरिए यह पता करिए कि कॉमन पीपल पर इसका क्या इंपैक्ट है मुझे याद है कि 2008 में एक स्कॉलर थे, उसका नाम था वजीरा जमींदार और उसने एक पुस्तक लिखी थी द लॉन्ग पार्टीशन उसमें उसने दिखाया उसमें पार्टीशन के कॉजेज की चर्चा उसने नहीं की उसने कहा कि भाई पार्टीशन का इम्पैक्ट क्या हुआ पूरे इंडिया पर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है उसका राजनीतिक प्रभाव क्या है आर्थिक प्रभाव क्या है सामाजिक प्रभाव क्या है और अब जो रिसेंट में आया है उसमें कश्मीर पर क्या रीजन वाइज प्रभाव क्या है इवन नॉर्थ ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा बंगाल पर क्या पड़ा साउथ इंडिया तक इसके इसके रूट्स को खोजे जा रहे हैं ये कोई साधारण प्रभाव नहीं है तो माय स्टूडेंट्स ये जो मह ये जो महकमा है जिसकी चर्चा हमने की ये बहुत समय से इस बात की पैरोकारी करता आ रहा था कि अब हाई पॉलिटिक्स और पार्टीशन के दिन लद गए अब आ गया है समय पार्टीशन लिटरेचर के माध्यम से कॉमन पीपल के सफरिंग के बारे में पढ़ने का अब जब सरकार ने पार्टीशन हॉरर्स रेमेम्बर डे माने इस तरह की एक तिथि की घोषणा की तो वो स्कॉलर्स चुप हैं वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि उनका मकसद अब सधेगा या नहीं क्योंकि देखिए दो तीन बातें ऐसी हो रही है मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी बातें इसलिए हो रही है जो मैं आपको पहले इनके पॉइंट ऑफ व्यू को रखूँ जो ये स्कॉलर्स हैं उनका अपना एक अलग नज़रिया है उनका कहना है कि हम लोगों ने शायद एक गलती की कि पार्टीशन में जो कितने लोग मरे मारे गए कटे उन सबको वी हैव जस्ट ट्राइड टू कवर द ट्रूथ हमने हमेशा चुप 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 कवर करो कवर करो नहीं जानने पाए तो इससे क्या हुआ कि आप देखते हो किसी के साथ जैसे हादसा होती है तो हादसा के बाद अगर कई बार देखोगे लोग इतना शौक में आ जाता है कि ना रोता है ना हंसता है और बस मौन हो के चुप चुप रह जाता है अब इसमें जो ओरल हिस्ट्री ओरल हिस्ट्री का मतलब है कि इन लोगों ने एक मौखिक इतिहास भी चलाया मौखिक इतिहास इसलिए कि उनका ये कहना है कि नहीं हम जो सफ़रर्स हैं जो सफरर्स हैं जिन्होंने उसको झेला है आप यहाँ पर दिल्ली और लाहौर में बैठ के आप सिंपैथाइज कर रहे हैं इतने रिफ्यूजीज आज इतिहास की पुस्तक में आप पढ़ते हो लेकिन आपको लगता है कि डेढ़ करोड़ लोग मारे गए आपके लिए एक डेटा है कि भाई एक जीरो कम ना हो जाए एक जीरो ज़्यादा ना हो जाए नहीं तो मेरे अंक कट जाएंगे लेकिन उन डेढ़ करोड़ सॉरी डेढ़ करोड़ लोगों का बेघर हो गए नोट मारे गए दस लाख लोग मारे गए तो आप ये सोचते हो कि भाई दस लाख मारे गए कहीं एक करोड़ ना हो जाए या कहीं एक लाख ही ना रह जाए हमारा डेटा ना कम हो जाए क्योंकि हिस्ट्री का मतलब प्राय यही लगाया जाता है लेकिन जरा सोचो जो दस लाख जो लोग मारे गए किस हालत में मारे गए महिलाएं किस हालत में मारी गई महिला के गोद से बच्चे खींचकर और उनकी आंखों के सामने मार दिया गया निर्ममतापूर्वक पिता के सामने पुत्री के साथ जो दुर्व्यवहार जो दुर्व्यवहार किया गया वो अपने पिता आई विटनेस के साथ ब्रदर्स के सामने सिस्टर्स का वो जो हुआ वो उसको उसकी क्या लेखा जोखा है तो लिटरेचर कहता है कि भाई हम इन चीजों को रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाए क्योंकि आप कई इस तरह का लिटरेचर देखो में जिसमें जो पार्टीशन को जो अब तो वो जनरेशन रहा ही नहीं मर गया और अब जो बचा हुआ है बहुत बुरा उसकी मेमोरी भी छीन हो रही है लेकिन जो उसको झेला है उसके बारे में जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वह है कि कई महिलाएं, कई पुरुष ऐसे हैं कि रात में उठकर बरवराने लगते थे कोई अपने पेशावर को याद कर रहा है कोई लाहौर को याद कर रहा है उन मतलब वो अपने स्वप्न में देख रहा है कि दादाजी के साथ मैं यहाँ घूम रहा था उनके जो सबकॉन्स में बैठे हुए हैं तो इन पर स्कॉलर्स का मानना है कि एक तरह का साइकोथेरापी चाहिए

वहां पर मिस कर रहा हूं एन में आप देखेंगे प्रीफियस में क्लास टेंथ का एन आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री का उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अ नेशन नेशन को समझने के लिए वर्ल्ड के परपेज को भी थोड़ा समझना आवश्यक होता है तो हम यहाँ पर आपको यह बताना चाहते हैं कि जब हम लोग पार्टीशन की बात करते हैं या जैसे अभी हमने जो आपको बताया कि भाई जो पार्टीशन लिटरेचर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये आवश्यक माना गया दुनिया में और भी जगहों पर जैसे साउथ अफ्रीका में आप देखिए साउथ अफ्रीका में वहाँ पर एक ब्लैक मूवमेंट चला था और ब्लैक लोगों को साथ अपार्थाइड की नीति अपनाई गई थी जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पर हो तो अपारथाइड का मतलब है कंप्लीट सोशल सेग्रीगेशन उनके साथ जानवरों की तरह व्हाइट ने व्यवहार किया था और कैजुअलिटीज और जो सप्रेशन हुआ वो अनपैरल हिस्ट्री में रहा तो जब ब्लैक लोग का गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने वाला था चूँकि मेजोरिटी तो वह थी तो वाइट लोग डर रहे थे व्हाइट लोग को लग रहा था कि पता नहीं जब उनकी सरकार बन जाएगी तो वो चुन चुन कर बदला लेंगे हमसे तो उसमें नेल्सन मंडेला जो ब्लैक लीडर थे उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला था उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है उन्होंने एक पीस एंड कौंसिलेशन कमेटी बनाई थी उन्होंने पहले कहा था कि नहीं हम पुराने फाइल को नहीं खोलेंगे और बाद में पीस एंड कौन कमेटी बनाई उन्होंने कहा कि देखिए जिन लोगों ने गुनाह किए हैं वो इसको साक्षी रखकर और इससे सबक लेकर कि भाई जो गुना आपने किए हैं उसको आप कन्फ्यूज कर लीजिए आपको माफी मिल जाएगी तो माना जाता है कि इस तरह का कन्फेशन अगर हम कर लेते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है जो आपस में जो मिस्ट डिस्ट्रस्ट है वो डिस्ट्रस्ट धुल जाता है सेवेंटी फाइव ईयर्स के बाद भी आज भी लोग ही रिकॉल करते हैं आज फिर वही पाकिस्तान इंडिया का पॉलिटिक्स पूरा साउथ एशिया सफ़र कर रहा है इंडिया सफ़र कर रहा है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच का तनाव आज भी रिसरफेस करता है तो हम अपने गिल्ट को मान लें या हमारे साथ जो घटित हुआ उसको रिकॉल करके थोड़ा रो लें और फिर अपने दिल को निर्मल कर लें जिसको कहते हैं परजेशन ऑफ सोल ट्रेजिडी जो है वो ट्रेजिडी हमें परजेशन ऑफ सोल देता है शुद्ध करता है शेक्सपियर की ट्रेजिडी दुनिया में क्यों पढ़ी गई क्योंकि तो शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो के बारे में कहा जाता है ही डाइज बट ही डाइज विथ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेजिडी हमको समझ देती है हमें सबक देती है ट्रेजिडी हमारे दिल को हल्का करती है हमारे दिल से पर जो दबाव होता है उससे फ्री करती है तो अगर इस सेंस में हम याद कर रहे हैं और इसी सेंस में चाहते हैं जो हमारे स्कॉलर्स हैं कि पार्टीशन के साथ जो जो पार्टीशन और पार्टीशन और सफरिंग है उसको सभी याद करें सभी याद करें ओके तो ये बात है अब जैसे दिल को निर्मल करने की घटना याद आ गई आप अगर गांधी मूवी देखेंगे हालांकि मुझे काफी दिन हो गया लेकिन नोआ खाली में जब गांधी हैं वो दृश्य मुझे आज तक मतलब वो मूवी का दृश्य याद है क्योंकि बहुत हद तक हिस्ट्री को उसमें एसिमुलेट किया है उसमें हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं किया है ऐसा लगता है जो जो आप गांधी पर बाकी टेक्स्ट पर होगी तो उसमें बहुत हद तक जस्टिस उसने थोड़ा बहुत तो मूवी है तो लेकिन जस्टिस उसने निभाया है तो गांधी इस तरह से फास्ट में बैठे हुए बिल्कुल शांत मुद्रा में और अंत में वहाँ के लोगों के दिल में पहले तो गांधी की बात मतलब इतना तक बोल गया कि गांधी को ही समाप्त कर दो मतलब इस तरह की बातें एक मोव से आई एक फेसलेस वो कौन था वो नहीं एक मोव से आई जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इरिटेट करता हुआ भी दिखाया गया है इस इस, इस स्टेटमेंट के ऊपर लेकिन गांधी जी शांत हैं और अंत में उन लोगों के दिल में इतना विचार होता है फिर वो उनकी कहीं ना कहीं रेपेंटेंस होता है और फिर वो अपने धीरे धीरे आके हथियार को डालने लगते हैं गांधी जी के सामने तो एक हमें याद है दृश्य कि एक किसी का लहू टपकता हुआ तलवार है गांधी जी के सामने लेकर तो बहसीपन हो चुका है क्योंकि इंसान तो इंसान नहीं रह जाता है हैवान बन जाता है तो वो कहता है कि मैंने अभी इससे दो बच्चों की गले काटे हैं या दो बच्चे को मारा है तो गांधी जी उतने शांत भाव से कहते हैं कि अब आप दो हिंदू बच्चों को पाल लो आप इस आपके पाप का प्रायश्चित हो जाए अब ये कितनी बड़ी बातें थी लगता है जैसे दिल हल्का हो गया सुनकर और देखकर कि तो दो बच्चों को पाल लो आपके पाप का प्रायश्चित हो जाए तो बेसिकली यही प्रायश्चित करने की जरूरत है ये तो मैं लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया अब जो इस डेट की घोषणा हुई है उसमें वो जो स्कॉलर्स है वो कहीं नहीं है यह एक गवर्नमेंट के द्वारा इसका डिक्लेशन हुआ है एक सरकार ने डिक्लेशन किया है तो इस सरकार ने जो डिक्लेशन किया है तो हम इस बात को नहीं जान पा रहे अभी मैं इनका भी पक्ष रखना चाहता कि इनका प्लान क्या है कि आगे अगर ये सेलिब्रेट करेंगे तो किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे अगर गांधी जी होते तो मुझे पता चलता वो किस रूप में सेलिब्रेट करना पसंद करते वो कहते कि इस दिन सभी लोग उपवास रखें प्रार्थना करें ईश्वर को स्मरण करें और यही कहें कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो तो यह डेट का यह रेलिवेंस हो सकता था लेकिन इनका हम अभी तक एजेंडा नहीं समझ पा रहे हैं कि उस दिन ये क्या करने वाले हैं डिक्लेयर तो क्या है फोर्टीन अगस्त को क्या करने वाले हैं ये सिर्फ यह कहते हैं क्योंकि मैंने एक पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट सुना कि अब चूंकि पार्टीशन हॉरर्स रेमरेंस डे मतलब अब जब विभाजन की विभिषिका को हम लोग हर वर्ष याद करेंगे एक कोई लीडर थे कोई अनोन लीडर कोई बहुत रिप्यूटेड लीडर नहीं तो उससे क्या होगा उससे एक फायदा यह होगा कि चीजें प्याज के छिलके की तरह प्रकट होगी कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो अब इसी में अब इनकी जो विरोधी ग्रुप ऑफ स्कॉलर मतलब विरोधी सॉरी कहना उचित नहीं है जो आप कह सकते हो कि जो अपोजिट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं जो दूसरे समूह के स्कॉलर्स हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं या जो मानते हैं कि हम इंडिया के जो मानते हैं कि इंडिया के नेशनहुड की जड़ को हम समझ पा रहे हैं तो उनका कहना है कि देखिए इस तिथि को जिन कारणों से याद करने की बात है वह कारण बेहतर नहीं है एक स्कॉलर का मैंने सुना उन्होंने कृष्णा शोभती को कोट किया और अच्छा स्टेटमेंट कृष्णा शोभती को मैंने भी पढ़ा हुआ पार्टीशन पर उसने भी लिखा है कि आप टू इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगेट पार्टीशन इज डिफिकल्ट बट टू रिमेंबर पार्टीशन इज डेंजरस अब दोनों बातें पार्टीशन को अगर हम भूलते हैं तो ये डिफिकल्ट है हम चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे लेकिन अगर उसको रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं तो वह भी अपने आप में डेंजरस है हम क्या रिमेंबर करें और क्या भूलें इसकी पूरी समझ हमें होनी चाहिए ओके तो ये स्कॉलर्स का मानना है कि रेमेंबरेंस डे का एक जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो यह आ रहा कि रेम्बरेंस में अगर हम इसको कोई ना कोई पार्टी को टारगेट करने के लिए कोई ग्रुप को टारगेट करने के लिए करते हैं तो इसका और उल्टा प्रभाव निकलेगा और यह फिर उस पुराने घाव को कुरेदने जैसी बात हो जाएगी यह हमें एक साइकोथेरेपी का इम्पैक्ट ना देकर उल्टा या एक नए प्रकार का क्लीवेज क्रिएट कर देगी तो एक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है तो एक तो ये मैंने बताया लिटरेचर वालों का है जो साइलेंट है दूसरा है कि बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट हैं उनका दूसरे ग्रुप का कहना है कि कहीं पुराने घाव को हम लोग इसमें कुरे देना इसका प्रयोग हम इसके लिए करें लेकिन इसके लिए नहीं मतलब पॉइंट नंबर वन के लिए प्रयोग हो रहा है तो मोस्ट वेलकम है पॉइंट नंबर टू ऑब्जेक्ट्स नेबल है अब पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है कि जो कुछ आपत्तियां उठ रही है वो हमारी विदेश नीति के परिप्रक्ष में उठ रही है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में कहीं नया कॉम्प्लिकेशन पैदा ना कर दे क्योंकि जब जैसे आप देखते हो जब हम गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं या फिर अपनी घरेलू या विदेश नीति तय कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक अच्छे चेस प्लेयर की तरह काम करना चाहिए कि कौन सी चाल आगे हमारे किस चाल को अवरुद्ध कर सकती है तो इनका यह मानना है जो तीसरे ग्रुप का स्कॉलर्स मैं सबका आपका विचार आपके सामने रख देता हूं देन यू हैव टू टेक ए जजमेंट ये जो थर्ड है वो ग्रुप स्कॉलर्स का कहना है कि देखिए पाकिस्तान के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहा है पार्टीशन किन कारणों से हुआ कैसे हुआ इस पर भी हम विचार करेंगे लेकिन पार्टीशन लेकिन पाकिस्तान के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि पाकिस्तान एक या जिन्ना या मुस्लिम लीग एक प्रकार के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहा है और जब पाकिस्तान पैदा हुआ तो पाकिस्तान को हमेशा लगता रहा कि इंडिया हमें एक अलग नेशन नहीं समझ रहा है हमें एक मतलब रूठा हुआ भाई समझ रहा है कि किसी समय में मुझे खींचने की कोशिश करेगा और अपने में मिलाने की कोशिश करेगा इस शुरू में भी ये बात हुई थी और शुरू में नेताओं को कठिनाई भी हुई थी पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार बोल चुके पार्टीशन के शीघ्र बाद कि इंडिया एनसेडेड पार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत और भारत का विभाजित क्षेत्र मतलब ये नहीं पाकिस्तान विभाजित क्षेत्र उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने घोषणा अच्छे मकसद से की लेकिन महात्मा गांधी ने घोषणा की कि चलो अभी हमारी यह मजबूरी है देट इज अ कंपलसन बिफोर अस टू एक्सेप्ट पाकिस्तान बट वेरी सुन वी हैव टू मेक अ ट्रिप टू पाकिस्तान एंड वी विल ट्राई एट माई बेस्ट टू इंटीग्रेट बोथ द नेशंस अगेन उनका यह कहना था कि हम एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान को और भारत को एक करने का फिर प्रयास करेंगे ये हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए तो पाकिस्तान की स्थिति यह थी कि जानबूझ कर वो इंडिया से तनाव करता था क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जो आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उस पर भी वो जानबूझकर इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा होता था ताकि दुनिया के देश हमें स्वीकार करें कि वी आर हैविंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस हम इंडिया नहीं है तो मतलब अंत में हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हमने एक नेशन के रूप में एक्सेप्ट किया वहां हम एम्बेसीज बनी सब कुछ हुआ लेकिन हमारे यहां के कुछ संगठन ऐसे थे हिंदुवादी संगठन जो हमेशा अखंड भारत की बात करते रहे और अखंड भारत शब्द से पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो पहले हमें यह तय करना है कि फॉरेन पॉलिसी में क्या एजेंडा होगा कि पाकिस्तान को फिर डी रिकोगनाइज करना है क्योंकि अगस्त इनका कहना है कि फोर्टींथ ऑफ अगस्त पाकिस्तान डे है तो चलिए अफगानिस्तान के मुद्दे पर या कश्मीर के मुद्दे पर हमार, हमारा और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव है अभी की स्थिति में वह कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहा है चलो हम मानते हैं कि हमने एक चाल फेंक दी कि भाई ठीक है फोर्टीन अगस्त पर हमने ऑब्जेक्शन कर दिया कि तुम्हारा जो नेशन बना लेकिन अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि क्या भविष्य में जब इंडिया पाकिस्तान के संबंध सुधारने के आसार होंगे आप अगर हिस्ट्री से सबक लोगे तो आप देखोगे यूरोप में जितना जर्मनी और फ्रांस में दुश्मनी रही शायद किसी कंट्री में रही होगी हालांकि ठीक है जर्मनी फ्रांस का पार्ट नहीं रहा लेकिन जर्मनी का पैदा होने का मतलब था फ्रांस की भूमिका यूरोप में सीमित हो जाना तो फ्रांस इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था और फिर दो दो वर्ल्ड वॉर्स में दोनों की शत्रुता के कारण लेकिन आज जर्मनी और फ्रांस भी एक मंच पर खड़ा है तो कौन जानता है कल और हमारे और फ्रांस कुछ ऐसा काया पलट हो और पाकिस्तान में एक दूसरा हुक्मरान आए आर्मी और जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स उनका प्रभाव कम हो और पाकिस्तान से हमारे संबंध फिर दोबारा कायम हो और गहरे और अच्छे मित्र के संबंध हो जाए तो क्या यह फोर्टीन अगस्त के तिथि को चुनना क्या पाकिस्तान के लिए इरिटेटिंग भी हो सकता है तो ये ग्रुप ये मेरा कहना नहीं है ये ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स का मानना है मैं तो इसमें सिर्फ आपके सामने एक लॉयर की तरह सबका पक्ष बट मैं अकेला लॉयर हूं और आप जज हो इंडिविजुअल तो ये इनका कहना है इसलिए इस आधार पर इस तिथि पर अब प्रश्न लगाया जा रहा है कि ठीक है विभाजन विभिषिका की तिथि मनानी उचित है लेकिन 14 अगस्त क्यों चुना आपने अगर ठीक है अगर आपको मनाना है तो आप कहते हैं कि जनसंख्या का ट्रांसफर हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हिस्ट्री के जो हिस्ट्री के जानकार लोग हैं दे आर हैविंग द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री तो उनका ये कहना है कि देखिए अब आप मानते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण या उत्तरदायी चीज क्या हुई तो दंगे हुए दंगे तो अगर दंगे की तिथि हम लेते हैं तो आपको अगर चौदह चुनना था तो पंद्रह अगस्त को तो खैर चुनना ठीक नहीं होता उस दिन हम लोग खुशियां मना रहे हैं और उस दिन एक गम का दिन फिर कायम करना ठीक नहीं होता हमको एक दूसरी तिथि चाहिए थी तो आप सिक्सटींथ अगस्त चुन लेते सिक्सटींथ तो अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी कलकत्ता दंगे की तिथि है और वो दंगे ने बड़ा ही विभस रूप पकड़ा था जिस कारण से नोआखाली में भी दंगे छिड़े थे और बिहार में दंगे छिड़े थे यूपी के हापुड़ में दंगे छिड़े थे बॉम्बे में दंगे छिड़े थे तो आप सिक्सटीन अगस्त की तिथि को बना लेते ओके या फिर आप और अगर आगे जाइए तो ये दंगा तो डिस्कटिन्यू कर गया फिफ्टींथ अगस्त से पहले दंगा समाप्त हो चुका था हमारे हुक्मरान मिल बैठकर अब अपना बंटवारा कर रहे थे लेकिन जो दंगे मार्च 1947 में मुस्लिम लीग ने पंजाब में आरंभ किया था वह दंगे के कारण एक करोड़ तो डेढ़ करोड़ लोगों का जनसंख्या का ट्रांसफर हुआ लाखों लोग मारे गए तो फिर मार्च में कोई तिथि आप निर्धारित कर लेते फोर्टीन अगस्त ही क्यों ये तीसरे महाकामे का कहना का है चलिए अब इसको कहना छोड़ते हैं अब हम आपको इतिहास में ले चलते हैं क्योंकि इतिहास में हम इस मुद्दे को देखना चाहते हैं ये बात तो आपको लग गई होगी कि कुछ स्कॉलर्स भी मानते हैं कि हमें याद रखना चाहिए लेकिन कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि हमें याद क्या रखना चाहिए वॉट टू रिमेंबर एंड व्हाट नॉट भी तय करना निश्चित है कि क्या रिमेंबर करने की जरूरत है और क्या उसको भूलने की जरूरत है तो चलते हैं पहले हम देखते हैं कि हम लोग रिमेंबर रेमे, क्या करें क्या याद रखें वाट टू रिमेंबर मैं इस नई पीढ़ी के बच्चों से विशेषकर अपील करना चाहूंगा कि पहले आप नेशनलिज्म और कॉमुनलिज्म को समझिए और याद रखिए और मैं आपको बता रहा हूं आप देखिए हिस्ट्री में इंटरप्रिटेशन बदल सकता है इंटरप्रिटेशन तो कोई भी सोशल साइंस में बदलता है मैं खुद आपको बता रहा हूं कि एवरी नॉलेज इज ए परस्पेक्टिव मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप आंख मूंद कर या ब्लाइंडली हैव नॉट टू फॉलो माई स्पीच यू हैव टू काउंटर चेक इट और लेकिन देखो इंटरप्रिटेशन बदल सकता है लेकिन फैक्ट तो नहीं बदलेगा हम आपके सामने फैक्ट रखेंगे तो पता चलेगा तो अब ऐसा है कि व्हाट टू रिमेंबर में पहले हम यह बताना चाहते ये इंटरप्रिटेशन की बात पहले बताना चाहते क्योंकि नेशनलिज्म और नेशनलिज्म तथा राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद ये दोनों आधुनिक युग की देन है ओके okay? अब दोनों आधुनिक युग की देन कैसे है तो देखो पहले होते थे ऐसे देखिए मैं बताता हूँ पहले होते थे देखो ये बड़े बड़े देश या साम्राज्य होते थे इसमें इधर हिंदू भी है इधर मुसलमान है जो बहुसंख्यक होते थे वह अल्पसंख्यकों को अपने ढंग से दबाते थे या वो कोई इस्लामी राज्य घोषित कर देते थे हिंदुस्तान में तो ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि हिंदू राज्य करके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पूरे मेडिवल एज में भी देखोगे तो हिंदू शिवाजी बोलते हैं और उसके बाद हिंदू शब्द का प्रयोग होता है मेडिवल एज में भी लेकिन हिंदू एक पूरा का पूरा कौम है कम्युनिटी है हिंदू धर्म का प्रयोग होता है हंधव धर्मधारक शब्द का प्रयोग होता है परंतु कम्युनिटी शब्द का प्रयोग नहीं होता है परंतु इस्लाम तो शुरू से ही अपनी अपनी पहचान को लेकर धार्मिक पहचान को लेकर बहुत कॉन्स रहा था तो जहाँ जहाँ इस्लाम की सेना गई वहाँ पर इस्लामी राज्य शरीयत के रूस ये सब बड़ा कॉमन चीज़ें होती थी लेकिन अगर आप यूरोप में जाओगे उसी समय ये मैं मध्युगीन मध्यु की बात कर रहा हूँ यूरोप में जाओगे तो यूरोप में जो आज तथाकथित आज के जो सिविलाइज स्टेट्स हैं वह भी एक समय था कि धर्म को आधार बना के चले थे जैसे मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रिया और स्पेन की पहचान पवित्र रोमन साम्राज्य के वहाँ के शासक पवित्र रोमन सम्राट कहलाते थे क्यों क्योंकि क्रिश्चियनिटी की रक्षा और धर्म की रक्षा उनका उद्देश्य होता था और इसके बाद अगर फ्रांस के इतिहास में जाओगे तो फ्रांस में आपको एक शब्द मिलेगा रोमन कैथोलिक और रोमन कैथोलिक में ये रोमन कैथोलिक जगत का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर होता था फ्रांस बहुत बड़ा प्रोटेक्टर होता था रोमन कैथोलिक का इतना तक कि जैसे यहां पर औरंगजेब को देखते हैं ओके तो औरंगजेब ने जजिया टैक्स को पुनर्जीवित किया था औरंगजेब ने जो किया इस बात की उसकी आलोचना होनी चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे देश में उसने फिर जबकि उसके पूर्वजों ने जजिया टैक्स को हटा दिया था धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी इसके पीछे कारण जो हो लेकिन हम वहां पर यह भूल जाते हैं कि औरंगजेब एक सेवेंटीन सेंचुरी की सच्चाई है औरजेब टी फर्स्ट सेंचुरी की सच्चाई नहीं है और हम यहां पर थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री पर निगाह डालें कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार हम अपने नजरों को घुमाएं कि दुनिया में बाकी जगहों पर क्या होता रहा था बाकी जगहों पर क्या एक सेकुलर स्टेट स्थापित था आप इनका औरंगजेब के कॉन्टेम्परिरी को आप लीजिए आपको फ्रांस के शासक लुई फोर्टीन लुई चौदाह लुई चौदाहवा ने क्योंकि रोमन कैथोलिक का वो बहुत बड़ा प्रोटेक्टर था तो उसने क्या किया था तो बहुत सारे प्रोटेस्टेंट को जिनको ह्यूजनोट्स कहते थे वह ह्यूजनोट्स को उसने दर्द दिया था मतलब उसको बहुत प्रोजिक्यूट किया था उनको बहुत परेशान किया था ब्रिटेन में एक रोमन कैथोलिक शासक है वह रोमन कैथोलिक वो आपको सेवनटीन सेंचुरी हालांकि फर्स्ट हाफ ऑफ सेवनटीन सेंचुरी में ही है लेकिन जो स्टुअर्ट डायनेस्टीज के किंग्स हैं वह रोमन कैथोलिक को प्रोत्साहन देने के लिए वहां के प्रोटेस्टेंट जो प्यूरिटन्स थे उनको प्रोजिक्यूट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे भाग कर यूएसए गए जो प्यूरिटन्स और उन लोगों ने ही अमेरिका और जो राष्ट्र देख रहे उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्यूरिटन्स की है जो प्रोटेस्टेंट थे तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइप का था तो मतलब इसीलिए जो मॉडर्न स्कॉलर्स वो कहते हैं कि एज सच कॉम्युनलिज्मिटीज अलग अलग थी कम्युनिटीज अलग अलग थी लेकिन एज सच संप्रदायवाद नहीं था क्योंकि देखो शासक वर्ग में संप्रदाय शासक वर्ग में अगर इस तरह की भावना आती है तो उसको संप्रदायवाद नहीं कम्युनलिज्म नहीं कहा जाता है कम्युनलिज्म कहा जाता है कि जब लोगों में आ जाए कि भाई ये हिंदू है ये मुसलमान है ये ईसाई है तो इस तरह की बातें उस समय प्राय बड़ा प्रा जम्बल्ड पिक्चर था अब जम्बल्ड पिक्चर कैसे नहीं होगा आप खुद सोचकर देखो बाबर आ रहा है तो उसका मुकाबला इब्राहिम लोदी कर रहा है जो मुस्लिम शासक है और इब्राहिम लोदी के साथ बाबर के अगेंस्ट में कौन लड़ रहा है विक्रमजीत जो युद्ध में पानीपत के फर्स्ट बैटल में मारा जाता है एंड ही वॉज द सन ऑफ द किंग ऑफ ग्वालियर मानसिंह तोमर और बाबर कहता है हिंदुस्तानियों ने हमसे खुलकर दुश्मनी निभाई मतलब उसको हिंदू मुसलमान दोनों उसके अगेंस्ट में खड़े थे महाना सांगा की लड़ाई बाबर से हुई है उससे पहले इब्राहिम लोदी से हो चुकी थी क्योंकि वह नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करना चाहते थे और अगर राजपूत स्टेट्स को देखोगे तो मुगल इंपायर के साथ उनका हल्दी घाटी के बैटल में क्या अकबर गया था मानसिंह गया था और मानसिंह कौन थे हिंदू ही तो थे क्या आज आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट के आधार पर पार्टीज में नहीं देखते हो कि एक खास कम्युनिटी का लीडर्स एक खास पार्टी में सेवा कर रहा है ऐसा आपको नहीं दिखता तो मैं आपको यह बता रहा कि जस्ट इस तरह का ब्लड पिक्चर था हम ही नहीं कहते हैं कि फीलिंग धर्म की नहीं थी एक ब्लड पिक्चर था एक ब्लड पिक्चर का मतलब होगा धुंधला धुंधला सा एक मेरे आप कह सकते हैं मेरे मैं उनको वरिष्ठ और सीनियर मानता हूं और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं यूएसए से उन्होंने रिसर्च किया है और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहा हूं तो इसी मुद्दे पर मुझे फोर्टीन का जो रेम्बरेंस डे दे है उस मुद्दे पर उनसे कुछ बातचीत हुई तो उनका झुकाव था कि हाँ ये सही हुआ उस क्रम में उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली में जो या इंडिया में जो हिस्ट्री राइटिंग है उस पर लुटियंस दिल्ली के माइंडसेट का प्रभाव है और लुटियंस दिल्ली के माइंडसेट का प्रभाव है इसलिए ये हिस्ट्री नेहरू ने लिखवाया इसने लिखवाया तो मैं थोड़ा सा मैं इस मुद्दे पर मैं उनसे कंप्लीट डिसएग्री कर गया क्योंकि देखो अब तुमको तो मैं पीछे आपको रखूंगा उनका भी पक्ष रखूंगा जो मानते हैं कि हिस्ट्री नेहरूवादी सेकुलरिज्म के नाम पर उसमें लिखवाया गया है तो उस पर भी हम नेहरू पर विचार करेंगे नेहरू कहाँ कहाँ नेहरू ने गलती की कहाँ गांधी ने गलती की हम सबको कटघरे में खड़े करेंगे आपके सामने और आपको जजमेंट लेना है कि बड़ी गलती किसने की क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड हमारा व्यू होना चाहिए कि नहीं इन्होंने क्योंकि मैं देखता हूं कि नॉर्मली जब इस तरह की बहस छिड़ती है तो काफ़ी गर्मा गर्मी का वातावरण हो जाता है जब एक खास पार्टी के आते हैं प्रवक्ता टीवी पर तो वो काफ़ी आक्रोश में बोलना शुरू करते हैं कि भाई इसने इस इस पार्टी ने ये किया उसने वैसे लिखवाया हिस्ट्री को दूसरा बोलते हैं कि नहीं ये हिस्ट्री इस को डिस्क्रोड करा सबके आंखों में एक आक्रोश होता है आक्रोश नहीं हो आप उनका सुनिए उनकी भी कुछ एजेंडा है उनका हो सकता है परसेप्शन गलत हो तो परसेप्शन सही करना सबसे पहली आवश्यकता है वही मैं आपको बताना चाहता हूं तो अगर परसेप्शन सही होता तो पार्टीशन होता ही नहीं ये परसेप्शन हमारा गलत नहीं होना चाहिए और सबसे खतरनाक होता है जब हमारा परसेप्शन गलत हो जाता तो वही चीज में रखना चाहता तो वो कहा तो हमने उन्होंने कहा कि वह मेडिवल टाइम से ही संप्रदायवाद था क्योंकि इस तरह की हमने कहा देखिए उसको संप्रदायवाद नहीं बोलते हैं शासक वर्ग के लोग हैं उन्होंने अपना एक रिट जारी कर दिया जो शासित हैं वो शासित आपस में अब जो निर्धन मुसलमान है वो निर्धन हिंदुओं की तरह वो भी वंचित हैं जो धनी मुसलमान है वो एरिस्टोक्रेसी क्लास में है तो धनी हिंदू भी हैं कुलीन हिंदू भी और कुलीन मुसलमान दोनों साम्राज्य की सेवा कर रहे हैं दोनों को अपने ढंग से फायदे हो रहे हैं जब धन की बात होती है तो ये बात होती है कि भाई ये तो ये एक रिलीजियस थियोक्रेसी है लेकिन थियोक्रेसी व्यवहार में है नहीं क्योंकि ना तो मुस्लिम शरीयत का पालन ठीक से कर पाते अगर करेंगे तो उनकी चल ही नहीं सकती थी इनकी मजबूरी थी नहीं कर सकते थे अब देखिए हमें जो संप्रदायवाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब बड़े बड़े साम्राज्य जब टूटने लगी और जब राष्ट्र जैसी चीज बनने लगी नेशन तो दुर्भाग्य यह हुआ कि नेशन एवं नेशनलिज्म और यानी राष्ट्र और संप्रदाय ये दोनों धारणाएं एक ही साथ आ गई जैसे राष्ट्र की अवधारणा आई उसी प्रकार से संप्रदाय की अवधारणा आई मतलब दोनों धारणाएं एक साथ आती गई अब क्यों आती गई मैं आपको बताना चाहूंगा राष्ट्र की तो देखो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा होती है मैं नेशन की परिभाषा में आपको उलझाना नहीं चाहूंगा मैं सिर्फ आपको संक्षिप्त में एक बात बताना चाहूंगा देखिए इसको देखिए जैसे यह एक देश है दैट इज कंट्री कंट्री और यह एक नेशन है फर्क क्या है कि जो कंट्री है उसमें एक सरकार है भूभाग है जनसंख्या है एक गवर्नमेंट भी है लेकिन एक कंट्री में जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है वो है कि लोगों में आपस में जुड़ाव होना जुड़ाव होना मतलब इफ द पीपल आर नॉट हैविंग अ सेंस ऑफ गेटिंग एसोसिएशन विथ ईच अदर गेटिंग एसोसिएटेड विथ ईच अदर आपस में जुड़ाव का भाव नहीं है तो यह नेशनलिज्म नहीं है नेशनलिज्म होने के लिए आपस में जुड़ाव का भाव होना चाहिए और जब आपस में जुड़ाव का भाव तब होगा कि जब ये विशेषाधिकार हैं ये विशेषाधिकार विहीन है इस भावना को आप कम करोगे जब आप देश की प्रजा को राजा की प्रजा जब किसी का जब नागरिक बनता है सिटीजन का स्टेटस लेता है जब सबका इक्वल स्टेटस हो या अगर इक्वल सभी का नहीं भी हो तो कम से कम कानून की नज़रों में सबको जस्टिस मिले नेशन बनता है तो इसका मतलब है कि जहां भी दुनिया में जो नेशन बनना शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के उद्भव के साथ हुआ यानी डेमोक्रेटिक आइडियल डेमोक्रेसी आने में तो काफी वक्त लगा लेकिन जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई लोगों के लिए प्रतिनिधि सरकार आई तो लोगों ने अपनी सरकार को भी चुनना शुरू किया और अपने अपने क्षेत्र में आपस में जुड़ाव करके कहना शुरू किया कि वी आर अ नेशन लेकिन इसमें हम लोग बहुत लेट थे हम लोगों का उसे कोई मतलब नहीं था यह एक्सपेरिमेंट ही वेस्टर्न यूरोप में हुआ फिर वेस्टर्न यूरोप से गया सेंट्रल यूरोप में साउथ यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से आप यही मान लीजिए कि ईस्टर्न यूरोप में इ डिभाटिंग तो पूर्वी यूरोप में इसका एक्सपेरिमेंट कोई अच्छा नहीं रहा अब दिक्कत यह है माए स्टूडेंट्स कि हम लोग पश्चिम से बहुत कुछ लेते रहे हैं तो उसमें हमने नेशन को भी लिया पश्चिम से मतलब ये नेशन हमारे ऊपर नहीं है ये नेशन पश्चिम में वेस्ट में डेवलप हुआ और ये नेशन आया हमारे यहाँ वेस्ट से इंपोर्ट होकर और हम जब जिस समय हम भारत में फ्रीडम मूवमेंट आरंभ कर रहे थे तो उस समय हम इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि हमें इंडिया में एक नेशन बनाना है तो अब देखिए अब ये नेशन वाला जो प्रोजेक्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड एंड अबिट डेंजरस एंड रिस्की गेम रिस्की गेम इसलिए होता है कि पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप कौन सा नेशन बनाने वाले हो उसका आकार क्या रखने वाले हो क्योंकि देखिए मैं दो बातें बता दूं आपको एक बात मैं यह बता दूं कि पहले आपको यह तय करना इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि कोई भी देश कोई भी देश होगा उसमें एक रूपता नहीं हो सकती ना तो जनसंख्या में एक रूपता हो सकती यूनिफॉर्मिटी मतलब एक तरह के लोग नहीं हो सकते अलग अलग संप्रदाय के हो सकते अलग अलग क्षेत्र के हो सकते अलग अलग नस्ल के हो सकते तो आप अगर मान लीजिए आप में विविधता ज़्यादा है तो पहले आपको तय करना पड़ेगा चलिए अगर हम ऐसा ही सोच लेते ठीक है भाई हम इतना बड़ा नेशन नहीं बनाएंगे हम यही बनाएंगे आप जाइए आप अलग हुई और हम यहाँ ये नेशन बनाते हैं अगर यह भाव पैदा हो जाए तब तो कोई बात नहीं है लेकिन हमारी कोशिश ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारी कोशिश है कि हम सभी एक हूं और राष्ट्र बने तो जब आप अलग अलग संप्रदाय अलग अलग जाति अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग नस्ल के लोगों को एक में लेना चाहते हो तो आपको कुछ कॉमन वैल्यूज और कॉमन कार्यक्रम तो देना पड़ेगा कॉमन प्रोग्राम तो देना पड़ेगा अगर कॉमन प्रोग्राम आप नहीं दे पाते हो तो हम एक हैं कि भावना कैसे आएगी तो उसी में क्या होता है गलत कि जब हम देखिए अब ये देश है तो देश में ऐसा नहीं होता है कि सारे लोगों में एक बार जागृति आ जाती है ऐसा नहीं होता है मुठ्ठी भर पहले बुद्धिजीवी पैदा होते हैं और वो धीरे धीरे प्रचारित करना शुरू करते हैं कि भाई हम एक हैं एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म अ डेमोक्रेसी हम एक हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसी क्रम में अगर जैसे एक डॉक्टर है वो अगर सर्जरी करने वक्त उसका हाथ थोड़ा हिल जाए तो पता चला कि वैसा अंग भी डैमेज हो जाए जिसको टच करने की जरूरत नहीं थी अब नेशन बनाने में भाई हम एक हैं अब इसी में अगर यह भूल जाए कि हम एक इसलिए हैं कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं या हम ईसाई हैं तो इसका मतलब है कि आप धार्मिक धर्म के आधार पर एकता देने की कोशिश कर रहे हो तो भाई देख लो कि क्या आपके यहां एक ही धार्मिक संप्रदाय का के लोग हैं अगर हैं तो चलाइए अगर आपको जोड़ना है तो या तो तय करना पड़ेगा कि यह हम जो हम हाउस बना रहे उसमें किस तरह के ब्रिक्स और मोर्टार्स का प्रयोग करें जो उसमें मजबूती आएगी आपने तय किया हमें सीमेंट नहीं देना हमें मिट्टी का ही गीली मिट्टी से ही बनाना है तो ये आपका प्रॉब्लम है बनाइए फिर तो फिर आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि ये लोग आपके इस प्रोजेक्ट के में साथ होंगे या ना होंगे ओके तो ये बात तो माई स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि जब आप कहते हो कि वी आर द वन वी आर द वन तो हो जाता है राष्ट्रवाद और जब आप लोग कहते हैं कि वी आर द वन तब हो जाता है संप्रदायवाद क्योंकि यह तय करना पड़ेगा कि किस आधार पर आप वन कह रहे हो यह पहली बात है दूसरी बात यह समझिए मैं आप सभी मैं आप सभी जितने भी लोग हैं उन सब की एक से अधिक आइडेंटिटी है हम एक खास क्षेत्र के हैं हम एक खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर हैं हम एक खास आ, कह सकते हो कि हम हम एक खास समुदाय से जुड़े हुए हैं हम एक खास जाति से जुड़े हुए हैं हम एक खास क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम एक खास धर्म से भी जुड़े हुए हैं आप डिफेंड करता है कि आप किस पहचान को चुन रहे हो अगर आप सारी पहचान को छोड़कर यह बताना शुरू कर दो भाई अमुक क्षेत्र वाले आ जाइए हम सभी एक हैं तो इसका मतलब हो गया क्षेत्रवादी है क्षेत्र से लगाव होना बुरी चीज नहीं है बट रीजनलिस्ट होना बुरी चीज है फिर इसका मतलब है कि नेशन का ख्वाब आप छोड़ दीजिए आप अगर यह कहोगे कि हम आ जाइए सभी लोग हम एक धर्म के हैं तो आप संप्रदायवादी हो जाते हो और आपको नहीं पता चलता है कि आप संप्रदाय आप क्यों संप्रदायवादी हो जाते हो क्योंकि आप बाकी पहचानों को पीछे छोड़ दिया आप रिच हो आप पुअर हो आप एजुकेटेड हो आप नॉन एजुकेटेड हो आपका यह क्वालिफिकेशन है आप इस रीजन से हो आप इस जाति से हो आप इस अमुक संगठन से हो आप छात्र संगठन के हो आप विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो ये सारी पहचान रह गई सिर्फ हम अमुक हैं ये आ जाता है फिर संप्रदायवाद कॉमनलिज्म यहीं से शुरू होता है तो मैं आपको यह बताना चाहता कि अगर कम्युनलिज्म की डेफिनेशन में यह कहा जाता है कि जो यह मानकर चलते हैं कि एक विशिष्ट धार्मिक समूह के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हित समान होते हैं कि सिंगल रिलीजियस ग्रुप इज हैविंग द कॉमन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट और फिर इसका तार्किक विकास इस बात में होती है कि आप मानने लगते हो कि हमारा जो धार्मिक हित है सॉरी हमारा जो राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक हित है वो इसी प्रकार के दूसरे समुदाय के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हित से का विरोधी है अलग है तो हो गया संप्रदायवाद उग्र अवस्था में पहुंच गई अब उससे कुछ भी हो सकता है दंगे छीर सकते हैं बंटवारा हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो पहले हमें देखना है कि ये चीज आ कैसे गई हमारे साथ हम तो चले थे राष्ट्र बनाने चले थे कॉकरोच को मारने छिपकिली कैसे मर गई और किसने मारा उस छिपकली को वी हैव टू फाइंड इट आउट इतिहास में जाकर इसे सर्च करना होगा मैं कुछ डेटाज डेटाज आपके सामने रखता हूं आप उन डेटाज को वेरीफाई कर लीजिएगा और मुझे ऐसा लगता है कि वेरिफिकेशन आपको सही निकलेगा और जहां इंटरप्रिटेशन का सवाल है तो ह्यूमनिटीज सब्जेक्ट है तो मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि मैं अंतिम विश्लेषण कर रहा हूं लेकिन हाँ मैं यह सिर्फ आपको मैं थिंकिंग क्रिएटर शुरू से भी मैं सारा लेक्चर देता रहा हूं इस आप देखते हो लॉकडाउन में भी मतलब एक तरह से हमारे लिए तो एंजॉयमेंट ही रहा कि आप लोगों जैसे प्रूध लोगों से हमारा संवाद होता रहा लेकिन हमने आपको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा इसकी वजह कहीं ना कहीं कही थी कि हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज पेपर जो यूपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड में रखा हुआ है आप इंटरव्यू में जाओ मेंस में जाओ आपको इस तरह के उलझाने वाले प्रश्न कोई नहीं मिलेंगे वो सभी प्रश्न मिलेंगे खास पैरामीटर पर होते हैं तो मैंने देखा कि बच्चे एक्चुअली अभी भी इन्फॉर्मेशन के लेवल पर होते हैं सोशल साइंस के साथ जस्टिस नहीं हो पाता है तो मेरी मुझे खुशी होगी एक ग्रुप ऑफ अगर स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकर हो और वो अगर अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल के लेवल पर और यूपीएससी के लेवल पर अपने आप को ला पाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी हालांकि यूपीएससी का भी प्रॉपर लेवल इंटेलेक्चुअल नहीं है लेकिन हाँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जब आप इंटेलेक्चुअली सोचोगे तभी आप उसका आंसर कर पाओगे क्योंकि यूपीएससी में आपको जैसे निबंध है या बाकी चीजें हैं तो मेरी कोशिश यही रही कि जब आपका सोचने का स्तर हो जाता है तो उसके बाद कोई भी एग्जामशन आप क्रैक कर सकते हो तो मेरी कोशिश इसी चीज की रही है तो इसलिए मैंने आपके सामने जजमेंट रखा है कि आप क्रिटिकली चीजों को देखो आप इसको फुल एंड फाइनल मत मानो जो मैंने आपको कहा है अब देखिए ब्रिटिश रूल तो हम की बात करते हैं जो हमारे विभाजन की तरफ गया उसका एक बहुत बड़ा विलेन माना जाता है ब्रिटिश, बहुत बड़ा खलनायक। तो अगर मैं एक औसत भारतीय से एक एक स्टूडेंट सामान्य स्टूडेंट से मैं पूछूं कि अच्छा ये बताइए आप ब्रिटिश को दोषी मानते हैं किन कारणों से दोषी मानते हैं आपको ब्रिटिश में ऐसा क्या लग रहा है कि ब्रिटिश को ये नहीं करना चाहिए था ब्रिटिश ने ऐसा कर दिया तो वो दोषी हैं तो वो उत्तर देंगे कि भाई ब्रिटिश ने भारत में डिवाइड एंड रूल प्ले किया डिवाइड एंड रूल प्ले किया पॉलिसी ऑफ डिवाइड डिवाइड एंड एंड रूल रूल मतलब की पॉलिसी को प्ले किया फूट डालो और शासन करो लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह तो उनका आपको ओवर्ट एजेंडा लगता है ओवर्ट एजेंडा का मतलब है कि आपको स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को प्ले किया लेकिन ये है कॉन्सस एफर्ट अब कॉन्सस एफर्ट में फिर पूछे कि भाई डिवाइड रूल की पॉलिसी में क्या किया तो बहुत सारे आ जाएंगे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुस्लिम लीग को वीटो का पावर दिया हर जगह मुस्लिम लीग के जो माइनरिटी पॉलिटिक्स है उसको बढ़ावा दिया बहुत सारी चीजें इसके पक्ष में आपको आ जाएगा लेकिन लेकिन अब ग्रेजुअल of ऑफ ग्रेजुअल of ऑफ ग्रेजुअल of ऑफ कॉम्यनलिज्म communal आइडियाज हिंदी में बोल देता हूं उन्होंने धीरे धीरे हमारे मन में जो सांप्रदायिक सांप्रदायिक विचारों को पेनिट्रेट किया सांप्रदायिक विचारों को या हम नहीं समझ पाते एक औसत भारतीय इस बात को नहीं समझ पाता है और यह भी मुझे लगता है कि सबसे पहले यह स्मरण रखने की जरूरत है देखिए उन्होंने क्या किया धीरे धीरे हमारे मन में संप्रदायवाद भरते गए हम संप्रदायिक होते गए और पता भी नहीं चला हम कब हो गए सबसे पहले ब्रिटिश ऑरियंटलिस्ट ब्रिटिश ऑरिएंटलिस्ट ऑरिएटलिस्ट का मतलब होता है प्राच्यवादी अब देखिए प्राच्यवादी ने ब्रिटिश प्राच्यवादी ने क्या काम किया तो एक औसत भारतीय प्राच्यवादियों को बहुत अच्छा मानता है मानता है प्राच्यवादियों ने बड़े महान काम कर दिए अरे उन्होंने हमारी संस्कृति को उद्घाटित कर दिया हालांकि अब ऐसा नहीं मानता होगा क्योंकि एक तो मिसेल फूको ने जो पावर नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया है जो बहुत हमारे व्यूअर्स समझते होंगे और दूसरा जो एडवर्ड सईद ने सबसे बड़ा काम किया उसने एक ओरिएंटलिज्म पर जो उसने काम किया है एडवर्ड सईद का उसके बाद इनका पोल खुल जैसा गया है हालांकि एडवर्ड सईद की विचार समग्रता से नहीं ली जाती है उसमें गौरी विश्वनाथन हैं बाकी स्कॉलर्स हैं लेकिन इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने हमारे अंदर एक भाव क्या पैदा किया तो प्राचीन भारत के गौरव का खुलकर गुणगान करते हुए कि अगर दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो प्राचीन ओरिएंटल कल्चर के अतीत में है छिपी हुई तो हमारे प्राचीन गौरव को सराहा और मध्यकालीन भारत को पतन का काल और इंडिया को। अब ये बात जब की, तो हमारे लेता गया ब्रिटिश हुआ 1857 के रिवोल्ट में तो कंधे में कंधे मिलाकर हिंदू और मुसलमान दोनों लड़े सब कुछ हुआ लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे यहां जिसको मॉडर्न इंटेलिजेंसिया कहते हो आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग वह हिंदू ज़्यादा पहले आए क्योंकि मुसलमानों के साथ 1857 के बाद एक तो उनका वैसे भी परंपरागत थोड़ा सा दृष्टिकोण था थोड़ा सा एजुकेशन वगैरह से बाद से जुड़ना कुछ रूलिंग क्लास के भी थे उनमें भी एक जो बहुत निर्धन थे वो तो बेचारे गरीब किसान थे उनको तो एजुकेशन की सुविधा भी नहीं थी और जो धनी थे जो जागीरदार थे जो पुराने राजा थे तो उनमें एक एरोगेंस था कि भाई हम खुद हैं हम ब्रिटिश के पास क्यों जाएं तो इस वजह से क्या हुआ कि वो इंग्लिश एजुकेशन से जुड़ नहीं पाए तो पहले जो इंग्लिश एजुकेशन से जुड़े वे बहुत ये हिंदू लोग जुड़े उनको एक बना बनाया एजेंडा मिल गया देखो इसमें दो तीन है तो ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट है और इसके बाद एक और थिंकर्स मैं कहूंगा वो जेम्स मिल अब ये यूटिलिटेरियन ग्रुप है जेम्स मिल में ये नहीं कह रहा हूं कि ये ओरिएंटलिस्ट है ये अलग है ये यूटिलिटेरियन ग्रुप है तो इनका एक अलग अप्रोच होगा वो मैं बाद में बात करूंगा इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने प्राचीन गौरव की बात की और जब खुलकर हमारे अतीत की प्रशंसा की तो हम लोग फूले नहीं समा रहे थे और हमारे जो इंटेलिजेंसिया जो आया उसका नेचुरली चूंकि उन्होंने हमारे मन में पहले ही दे दिया था और बड़ा मन लुभावन चीजें लगी तो अतीत के गौरव के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा दैट इज अ गुड थिंग बस अभी फिलहाल इतना ही जानिए अब ये आ गए जेम्स मिल महोदय अच्छा इन्होंने एक काम कर ही दिया था कि मध्यकालीन इतिहास को उन्होंने पतन का काल या चर्चा नहीं की थी या इग्नोर कर दिया था जेम्स मिल आए इन्होंने 1817 में ही मतलब नाइनटीन सेंचुरी के बिगनिंग में ही इन्होंने एक भारत का इतिहास लिखा हिस्ट्री का इंडिया का पहला हिस्ट्री ब्रिटिश ने लिखा जेम्स मिल तो अब मैंने पहला आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री जिसको कहोगे वह जेम्स मिल ने लिखा तो जेम्स मिल ने इसको हिंदू काल मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा तो हिंदू काल मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा तो हमारे सब कॉन्स में अंतर से बैठ गया कि हिंदू काल मतलब हमारा काल तो बारहवीं मतलब मोहम्मद गोरी के आक्रमण से पहले समाप्त हो जाता है उसके बाद शुरू होता है मोहम्मद गोरी के आक्रमण का काल और फिर तो मुस्लिम आ जाते हैं तो वो तो अपने नहीं है क्या हुआ कि हमें अंदाज नहीं हो रहा था अक्सेंस मतलब मैं ये एक हिंदू के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं अपना भाव नहीं बोल रहा तो एक सेंस ऑफ अदरनेस आ गया एक सेंस ऑफ क्या आया एक सेंस ऑफ अदरनेस वो दूसरा है हम अपने हैं इसको एक इंटेलेक्चुअल टर्म में कहा जाता है सेंस ऑफ अदरनेस ओके ये आग कब रहा था हमें खुद भी पता नहीं था ये दोनों तीसरा ब्रिटिश ने क्या किया कि एक्चुअली अब ब्रिटिश ने जानबूझ कर ऐसा किया ये हम नहीं कर सकते हुआ क्या कि हम अपने आप को क्या समझ रहे थे तो एक पहलू है और यूरोपियंस हमें क्या समझ रहे थे दूसरा पहलू है तो समय समय पर यूरोपियंस भी आते रहे थे पहले तो बहुत सारे वेस्ट एशिया वाले ही गए जैसे अलवरूनी गए अलवरूनी से पहले आप देखते हो कि एंसियन जो ग्रीक स्कॉलर्स आए वही गए हेरोडोटस ने भी इंडिया के बारे में कुछ लिख दिया था वो सब जो बाहर के लोग आते थे वो हमारे समाज को समझते नहीं थे और फिर बर्नियर आया सेवेंटीन सेंचुरी में वो बर्नियर का अकाउंट एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट पश्चिम में माना गया तो उन सबों ने जो हमारे समाज को समझा मे ने बहुत पहले लिखा था तो वो पश्चिम वालों का वही डेटा बन गया और पश्चिम वाले खुद उसको समझ गया जिससे पहले मैक्समूलर ने फिर बाद में लिखा या ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट ने लिखा तो ये ब्रिटिश जो एक औसत ब्रिटिश अधिकारी थे उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि भारत की मौलिक पहचान धर्म और जाति है और फिर इन्होंने वैसे तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी लेकिन नियमित जनगणना जिसको सेंसस बोलते हैं उन्होंने 1881 से शुरू किया फिर बहुत सारे ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी सैंपल सर्वे वगैरह शुरू कर दिया और फिर बजावता उन्होंने हमारी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड निकालना शुरू कर दिया उसमें उन्होंने हमारे पॉपुलेशन को धर्म के आधार पर जाति के आधार पर बांटा उन्होंने कहा कि एक तो प्राइमेटिव करके कुछ ट्राइबल्स को अलग किया था फिर हिंदू जितनी भी अच्छा इससे पहले क्या था कि हिंदू हिंदू शब्द का प्रयोग होता था लेकिन जो सवर्ण लोग थे जो उच्च वर्ण के लोग थे वही मानते थे कि चलो हम हिंदू हैं लेकिन वो बेचारे जो निम्न जाति के लोग थे उनको तो शिक्षा भी नहीं थी समझ भी नहीं थी और जो सवर्ण लोग थे उनमें एक अपने आप में एक एक भरोसा भी था या इसलिए भी एक एरोगेंस था कि चलो हम हिंदू हैं लेकिन जो निम्न जाति के लोग थे उनका कुछ ख्याल नहीं था अब ब्रिटिश ने क्या किया कि एकदम सबको हिंदू में कैटेगराइज कर दिया जो गैर मुसलमान थे गैर ईसाई क्रिश्चियंस थे गैर ज्यूज थे पारसी उन सबको अलग करके और इनको हिंदू हिंदू में काउंट कर दिया अब देखिए अब हिंदू में काउंट कर दिया तो हम लोग हो गए इनूमेरेटेड पेपल अब मुस्कुराहट निकलने लगी कि भाई हम तो हिंदू हैं तो ये कब हमारे अंदर जा रहा था मन लुभावन लग रहा था आकर्षित कर रहा था दिल को गुदगुदा रहा था कि भाई हम हिंदू संप्रदाय हैं मेजोरिटी है हम हम इतने 80 परसेंट हैं 82 परसेंट हैं इस तरह की जो फीलिंग आ रही थी उसमें देखिए एटी टू परसेंट नहीं था उसमें कम था वो तो पार्टीशन के बाद हुआ है लेकिन जो भी हूँ तो हमारे मन को कहीं ना कहीं गुदगुदा रहा था फिर ब्रिटिश ने काउंटर के रूप में उधर मुसलमानों को भी इनोमरेट कर दिया तो मुसलमानों को लगा कि भाई हम इतना ही हैं और एक था एक समय था कि हम रूल कर रहे हैं हम शासक वर्ग के हैं हम रूल कर रहे थे अब तो कम है देखते हैं क्या होता है तो उधर उनमें वो फीलिंग आ रही थी और ये सब कोई, कोई ये संप्रदाय नहीं है टेक्निकली कोई कहोगे तो कोई कहेगा भाई किसी हिंदू को दे कर हिंदू हाथी लाया यस हम लोग ब्रदर्स हैं तू तो करें हम किसी को क्या बिगाड़ रहे हैं हम तो इनको ब्रदर मान रहे हैं लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं उनके बगल में कोई मुसलमान बैठा हुआ है तो उनमें आप एक अनजाने ही अलगाववाद का भाव पैदा कर रहे हैं ये इस चीज को लोग नहीं समझ पाते दैट पॉइंट इज टू बी नोटेड तो ई ऑटोमेटिक हो रहा था मुस्लिमों में फीलिंग आ गई हिंदू में फीलिंग आ गई ये सब ब्रिटिश ने इतना बेस्वर पहले ही कर दिया डिवाइन एंड रूल की पॉलिसी तो बहुत पहले आ, बहुत बाद में आई डिवाइन एंड रूल की पॉलिसी से पहले ब्रिटिश बहुत ज्यादा हमारा काम खराब कर चुके थे नंबर वन अब चलिए आगे बढ़िए अब आते हैं ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश रूल चाहे इसको ऐसे हम टाइटल देते हैं रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल अब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में जो रिएक्शन हो रहा था उसको देखिए मतलब दोनों चीज कर सकते हैं इंपैक्ट एंड रिएक्शन इंपैक्ट एंड रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल दोनों चल रहा था तो एक तरफ आया हमारा उन्नीसवी सदी का सुधार आंदोलन 19वीं सदी का सुधार आंदोलन इंग्लिश में इसको आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ नाइनटीन सेंचुरी और जब आप रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ नाइनटीन सेंचुरी जाते हो तो लेफ्ट साइड में आप इसके लिए एक एरो डाल दो और वह है हिंदू सुधारक मुस्लिम सुधारक मुस्लिम सुधारक मुस्लिम रिफॉर्मर्स थोड़ा सा इसको अगर आप और चाहो तो इलेबोरेट करने के लिए पाश्चात्यवादी इज और इधर परंपरावादी रिवाइवलिस्ट परंपरावादी अब देखिए ये आप अगर हिंदू सुधारों को कहेंगे तो इसको भी हम इन्हीं दो में बांटते हैं ऐसा नहीं केवल मुसलमान लेकिन हिंदू भी अब क्या हुआ कि दोनों बातें हुई एक तरफ ऑडियंटलिस्ट ने जिसको आप प्राच्यवादी कहते तो उसने हमारी संस्कृति की बड़ी बढ़ चढ़ कर प्रशंसा की थी उसका उत्साह था उसकी गर्माहट थी दूसरी तरफ जेम्स मिल ने हमारे जेम्स मिल का नज़रिया ठीक विपरीत था जो आपने देखा जो ऑडियंटलिस्ट का है प्राच्यवादी का है उसे जेम्स मिल का विपरीत नजरिया था जेम्स मिल ने कहा कि भाई भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई है प्रगतिहीन है ब्रिटिश को एक स्कूल मास्टर की भूमिका निभानी चाहिए ब्रिटिश हैड टू तो प्ले द रोल ऑफ ए स्कूल मास्टर एंड जस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियंस अपने बल पर नहीं कर सकते उनको हमें कुछ करना पड़ेगा तो उन्होंने जो हमारी संस्कृति की तोहनी की थी उन्होंने कहा था कि भारतीय सभ्यता पिछड़ी हुई है यहाँ महिलाओं की दशा एन टाइम में अच्छी नहीं थी वगैरह वगैरह तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो इंटेलिजेंसिया था उसमें रिएक्शन भी हुआ और उधर प्राचीवादियों ने जो तारीफ की थी उस तारीफ से हम एक्साइटेड भी थे उससे हमें प्रेरणा भी मिली थी तो इन्होंने क्या, क्या किया कि अपने ढंग से अब शोध स्टार्ट कर दिया और शोध स्टार्ट करते हुए इन्होंने प्राचीन ग्लोरी और प्राचीन गौरव को उद्घाटित प्राचीन भारत के गौरव को उद्घाटित करना शुरू किया ओके अब देखिए प्राचीन भारत के गौरव को उद्घाटित करने में कुछ सुधारक ऐसे हैं जो बड़े परंपरावादी हो गए तो बड़े परंपरावादी हो गए देवे ओरिएंटलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के प्रभाव में बड़े परंपरावादी हो गए जैसे आर्य समाज है उसने सारी गौरव की चीज एंसियंट टाइम में आ, आप देखोगे पूरे इंडिया के गौरव की चीज एंसेंट में और एंशियंट में भी वैदिक पीरियड में देखा राजा राम मोहन राय वैसे परंपरावादी नहीं है लेकिन प्राचीन भारत की कुछ चीज़ों को भी तारीफ करते हैं उपनिषद के दर्शन की तारीफ करते हैं और मैं इन सुधारकों में अगर केवल एक स्वामी विवेकानंद का नाम छोड़ देता हूं तो शायद मध्यकाल की खुलकर किसी ने प्रशंसा नहीं की जैसे बंकिम चंद चटर्जी हैं तो उन्होंने भी जो आनंद मठ लिखा है उसमें देखिए, मतलब ब्रिटिश ने एक ऐसा सबकॉन्स में हम लोगों को भर दिया कि हमारा प्राचीन गौरव प्राचीन भारत गौरवपूर्ण था मध्यकाल हमारे पतन का काल था और जो शासन भी था वो भी हमारा देशी नहीं था और ब्रिटिश भी विदेशी हैं लेकिन चिंता मत करिए हम आपके कल्याण के लिए आए हैं इसलिए हम आपको फिर प्राचीन गौरव पर स्थापित करके फिर यहां से जाएंगे तो कहीं ना कहीं मध्यकाल के इतिहास को काटकर सीधे हम ब्रिटिश से जुड़ना चाहते थे कि ब्रिटिश तो उसमें कोई कोई ऐसा भी था जो ब्रिटिश के विरोध में खड़े हो जाते थे इनका लेकिन इनका ये भी कहना था कि नहीं हमें बहुत कुछ ब्रिटिश से सीखना है बताइए पूरे मध्यकाल के इतिहास में क्या गौरवमयी कोई चीज नहीं है मुगल एम्पायर का जो अचीवमेंट्स है इतनी कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स है जो हमने भाषा के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में कंपोइट कल्चर जो इंडिया का संस्कृति है जो हमारी संस्कृति की धरोहर है और इतनी सारी उपलब्धियां हमने हासिल की उस समय वो कहाँ गया उसकी चर्चा तक नहीं तो ये हम जो कर रहे थे हमको पता नहीं था हमारे डीएनए में संप्रदाय राष्ट्र के डीएनए में डीएनए में संप्रदायवाद घुस रहा था और हमारे राष्ट्रवादियों को पता नहीं था कि आप क्या करने जा रहे हो आप कहीं ना कहीं ये सब सब राष्ट्रवादी हैं लेकिन इनको पता नहीं था ये अभी इनोसेंट पीपल ये तो राष्ट्र की सेवा कर रहे थे हम अपनी तारीफ करें आपको क्या आपत्ति है अब एक बात बताइए आप सब स्टूडेंट्स हो आप व्यूअर्स भी हैं बड़े बड़े ये मैं मैं कभी स्टूडेंट्स को इंगित करते हुए कह रहा हूँ कि आप जब स्टूडेंट लाइफ में रहते थे हम लोग भी रहते हैं आपके बाकी रूम पार्टनर्स थे उसमें आप कुछ मत करिए आपका एक रूम पार्टनर आप चार हो एक रूम पार्टनर केवल खूब तारीफ अपनी करे अपने परिवार की कि हमारे पूर्वज ऐसे थे हमारे पिताजी ऐसे थे वी आर कमिंग फ्रॉम दिस ट्रेडिशन वी हैव डन इट दिस माई फादर इज हैज़ अचीव सो मच सो हमारे ग्रैंड फादर इतने ग्रेट फिगर थे वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा लेकिन बाकी तीन पार्टनर्स डेफिनेटली इरीटेट कर जाएंगे इफ़ आई एम करेक्ट डेफिनेटली वो इरीटेट करेंगे सिर्फ सुनकर उनकी अपनी तारीफ तो जाहिर है कि जब बात हो रही है हिं, हिंदुस्तान की धरोहर की तो आप केवल प्राचीन धरोहर की बात कर रहे हो क्या आपको एहसास है कि आप क्या कर रहे हो ओके ठीक है अब इसके बाद देखिए इधर पाश्चात्यवादी में आ गए सर सैयद अहमद खान मुस्लिम सुधारक में सर सैद अहमद खान तो सैयद अहमद खान चाहते थे कि हम मुसलमानों को मध्यकालीन समाज के पिछड़ेपन से ऊपर ले जाएं, ऊपर निकाल दें ऊपर ले जाएं इनको लेकिन अब आप, आप ही बताइए कि इसको करने के लिए उनको ये मानना था कि यह तभी संभव होगा मुसलमानों की प्रगति तभी होगी मुस्लिम सोसाइटी हैड टू तो मूव ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ओनली इन द कंडीशन इफ मुस्लिम्स वुड इंजॉय द पैटर्नेज ऑफ द ब्रिटिश अगर ब्रिटिश मुसलमानों को संरक्षण देते हैं तभी संभव है तो इन्होंने सुधार की बात तो की कुरान की आधुनिक व्याख्या की बात की बुरका प्रथा के इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों में शुरू किया बहुत बढ़िया बढ़िया काम इन्होंने किया लेकिन इनको क्या समस्या थी मैं बताता हूं मुस्लिम समुदाय एक नहीं था मुस्लिम समुदाय में भी आंतरिक विभाजन था सबसे पहली बात है कि बहुत कम लोग इस बात को एडमिट करते हैं मानते हैं सारे मुसलमान एक है ठीक है एक मिनट के लिए मानते हो तो आपके मन में यह प्रश्न क्यों नहीं आता कि तो अफगानिस्तान में जो मर रहे हैं वह भी मुसलमान हैं और जो मार रहे हैं वह भी मुसलमान है पाकिस्तान में आप देखते हो पीड़ित हैं सूफी मर रहे हैं अहमदिया मर रहे हैं सिया सुनी का ये सभी तो मुसलमान ही तो आप ऐसा मानकर क्यों चलते हो कि मुसल मुस्लिम समुदाय एक कॉमन समुदाय है या हिंदू समुदाय एक कॉमन है क्योंकि देखिए उसमें है ऐसा कि आर्थिक विभाजन है जातीय विभाजन है क्षेत्रीय विभाजन है आर्थिक विभाजन तो सबसे बड़ी चीज है तो ऐसी स्थिति में इतनी सारी जो कोई शिक्षित हैं कोई अशिक्षित हैं तो इतने सारे विभाजन को रहते हुए आप कैसे मान सकते हो कि द हिंदू कॉमन पीपल मुस्लिम्स आर द कॉमन पीपल तो यहां पर अब देखिए ये अशराफ से अशराफ का मतलब है धनी जो कुलीन मुसलमान थे उनको अशराफ कहा जाता था तो सर सैयद अहमद खान वॉज कमिंग फ्रॉम अशराफ ग्रुप और इसे आप देखते हो वह परंपरावादी वह अजलाफ ग्रुप से प्राय थे बहुत अशराफ भी थे ऐसा नहीं है तो जो निम्न मुसलमान थे वो अजलाफ ग्रुप से थे अजलाफ़ का मतलब हुआ कि वो निम्न श्रेणी से आए थे तो अशराफ़ और अजलाफ एक और भी है उसका अजफा या अजराह उसको कहा जाता है जो उनकी अछूत की श्रेणी भी एक है लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करें अशराफ और अजलाफ की चर्चा करें एक तीसरी श्रेणी भी है तो ये असराफ मुसलमान थे ये शासक वर्ग से जुड़े रहे थे ये मध्यकाल के गौरव चूंकि इसमें हुआ क्या कि यह प्राचीन काल के गौरव के लगातार बात करते रहे इन्होंने सोचना शुरू किया कि यार हमारा गौरव कहाँ से आएगा प्राचीन काल की तो विरासत उन उन्होंने अपनी मानी नहीं और वो अपनी विरासत खोजने मध्यकाल में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में चले गए तब कोई अपने आप को मुगल से जोड़ने लगे कोई पठान से जोड़ने लगे कोई अफगान से जोड़ने मतलब पठान और अफगान तो खैर एक ही हुआ तो अपने आप को इस तरह से उन्होंने सैयद से कोई बोला हम हम शेख्स ग्रुप से हैं और ये सभी अशराफ थे तो इन अशराफों को लग रहा था कि एक समय ऐसा था जो प्राचीन गौरव की बात की तो उनको ऐसा मध्यकालीन गौरव की तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई एक समय तो हम लोग रूलिंग क्लास से थे लेकिन अब तो हम हमारा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इंडिया में जो हमारी संख्या बहुत कम है और 1882 में लॉर्ड रिपन ने उसी समय ले आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट में क्या था कि पहली बार इंडिया में चुनाव प्रक्रिया बहाल हुई तो चुनाव प्रक्रिया बहाल हुई तो इन महानुभाव को लगा कि अब तो हमारा अस्तित्व समाप्त क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं तो इन्होंने एक बड़ी खतरनाक मांग उठा दी अलीगढ़ स्कूल इसको बोलते हैं सर सैद अहमद खान के स्कूल को इनका खतरनाक मांग इनकी यह थी अलीगढ़ स्कूल की कि देखिए हम एक कौम हैं और हिंदू भी एक कौम है तो कौम की अवधारणा इन्होंने लाई इसलिए एक वोट उन्हें एक वोट हमें होना चाहिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे हम इंडिविजुअल्स के आधार पर हम नहीं आगे बढ़ना हमें क्योंकि उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन हमारा राजनीतिक वेटेज ज़्यादा है इसलिए हमें बराबरी का वेटेज हिंदुस्तान में मिलना चाहिए अब देखिए इनके मन में ये फीलिंग आ गई कि डेमोक्रेसी के युग में तो हमारा साइज अब समझ समझ सकते हैं कि ऐसा अगर भारत के सवर्ण सोचते कि भाई अगर वन मैन वन वोट होगा तो हमारा जो एक अधिकार है टूट जाएगा तो क्या इंडिया में डेमोक्रेसी आती है? ये डेमोक्रेसी के शत्रु बन गए क्योंकि इनको लगा कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो मुस्लिम कुलीन वर्ग है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा प्रॉब्लम यहां से आया इधर परंपरावादी से हमारा मतलब है कि इनके क्लाइंट अधिकतर निर्धन मुसलमान थे जैसे बंगाल के पीड़ित किसान थे जो अधिकतर किसान थे उनका बहुत शोषण होता था या पंजाब के पीड़ित किसान थे तो ऐसे जो लोग थे ऐसे तत्व थे ये बैठे हुए थे मुख्य रूप से यूपी और बिहार जैसे क्षेत्र में जहाँ पर वो अल्पसंख्यक थे लेकिन अशराफ ग्रुप से थे पंजाब में भी अशराफ थे बंगाल में भी थे लेकिन उनमें जो अजलाफ ग्रुप से थे जो निम्न श्रेणी से थे तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी तो वो ऐसे लोग भी ब्रिटिश नीति के विरुद्ध बड़े रिएक्शनरी थे उनको समझ में नहीं आता था कि हम कैसे अपने आप को एकजुट करें हम कैसे संगठित हों या उनको ये समझ में नहीं आता था कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ें या किस प्रकार से इसका अन्याय का प्रतिकार करें तो कहीं ना कहीं इस्लाम के बारे में तो जानते थे काफी चीजें खलीफा के बारे में सुन रखी थी उन्हीं में से आप देखोगे जैसे फराजी आंदोलन बहावी मूवमेंट उसी श्रेणी से निकलना शुरू हुआ और उसमें से जो कुछ पढ़े लिखे थे वो आगे आ गए जो उन्हीं के समुदाय से जुड़े हुए थे और आकर लीड करने लगे और उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि देखो भाइयों खलीफा के समय में एक ऐसा था कि हम पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे और हम फिर एक बार पूरी दुनिया पर राज करेंगे संगठित हो जाओ खड़े हो जाओ काफिरों को रास्ते से हटाओ काफिर वो बोल रहे हैं तो वो ये बात को भूल रहे हैं कि वो चले हैं काकरोच मारे लेकिन छिपकली को मार रहे हो क्योंकि काफिर में तो इंडियंस हिंदू भी आ जाते हैं और हम दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है हमें दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम मतलब मूर्ति पूजकों के देश को इस्लाम का देश बनाना है ये जो चीज़ें आई वह उसने एक बहुत सांप्रदायिक भाव इधर आर्य समाज जैसे तत्व तो, इधर सर सैयद अहमद खान जैसे लोग जो स्लो पॉइजन की भूमिका निभा रहे थे और इधर जो अशिक्षित मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है और बहुत सारे परंपरावादी मुसलमानी जो मुस्लिम गुट था उस खड़ा हो गया उसमें एक देवबंद स्कूल आ गया जो। लेकिन देवबंद स्कूल का शुरू शुरू में जो देवबंद स्कूल है आहरान मूवमेंट है वह एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के विषय में नहीं सोचते थे उनको तो लगता था पूरी दुनिया ही अपना है दारुलहक को इस्लाम बनाना है तो जो कौम की भावना थी अब देखिए इन्हीं दोनों में मतभेद होगा जो परंपरावादी मुसलमान हैं और जो शिक्षित मुसलमान इन दोनों के अलग अलग गुट रहेंगे क्यों क्योंकि जो शिक्षित मुसलमान हैं सर सैद अहमद खान जैसे वो मानते हैं कि हमें हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में मुस्लिमों की अलग पहचान देनी है और जो परंपरावादी है वो मानते हैं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिलाना है तो उनके लिए है उमा जो परंपरावादी मुसलमान है उनके लिए उमा की अवधारणा है और जो शिक्षित मुसलमान है उनके लिए कौम की अवधारणा है तो उमा और कौम में वही फर्क है तो इन दोनों शब्द का मतलब आप ध्यान रखिए उमा उमा का मतलब हुआ पूरा का पूरा जो मुस्लिम समुदाय है जो इस्लाम के झंडे के तले है और इनका है कौम कौम का मतलब है एक ये भारत में जो मुस्लिम समुदाय है उसे मानते हैं तो दोनों की अवधारणा में अंतर है और अभी पाकिस्तान बहुत दूर की चीज़ है अभी इन दोनों के बीच भी जो कॉमन मुसलमान हैं उन पर इनका ग्रिप नहीं है ये मुठ्ठी व अशराफ है जो ब्रिटिश का गुणगान कर रहे हैं लेकिन जो कॉमन मुसलमान हैं वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जिहाद छेरा हुआ है इन्होंने जैसे बहाबी मूवमेंट है जैसे फराजी मूवमेंट है देवबंद स्कूल है देवबंद स्कूल में आप देखते हैं सर सैद अहमद खान के साथ ही उसका डिफरेंसेस चल रहा था तो मतलब अभी बहुत पाकिस्तान बहुत दूर की चीज है हालांकि परसिवल स्पेक्स ब्रिटिश विद्वान उन्होंने सर सैद अहमद खान को प्रथम पाकिस्तानी कहा है क्योंकि इन्होंने ये भाव को दिया पहली बार कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ नहीं हम एक कौम हैं और हमें बराबर का अधिकार चाहिए तो पहला इन्होंने समस्या मॉडर्न पॉलिटिक्स के आधार पर पैदा कर दी तो यहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ अब देखिए आगे बढ़िए अब इधर पहले आप इधर हिंदू सुधारकों को देख रहे हैं तो हिंदू सुधारकों ने सुधारको नेशन के डीएनए में कहीं कहीं ना वो सांप्रदायिक विचार चला गया जिसको रोक नहीं पाया उल्टा इसमें इसमें ये ये कहीं ना कहीं इनका अप्रत्यक्ष भूमिका हो गई ये कुछ और कहना चाहते थे उसका संदेश कुछ और चला गया अब इनके जो विचार है इस आधार पर जिसको आप उग्रवादी आंदोलन कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स कहते हो विशेषकर बाल गंगाधर तिलक तो बाल गंगाधर तिलक हैं या बंकिमचंद चटर्जी हैं इस प्रकार के जो भी लीडर्स थे विचारक थे तो उन पर अनकॉन्सली कहीं ना कहीं आर्य समाज कहीं ना कहीं इस तरह के जो परंपरा परंपरावादी समूह हैं उनके विचार उनके साथ मिक्सअप होते चले गए जैसे तिलक हैं तो अब आप, मैंने आपको बताया ना आपको जब नेशन बनाना है तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपके नेशन में क्या है अब तिलक एक महान काम कर रहे थे लोकमान्य थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन जब उन्होंने लोगों को संगठित करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे रूपक लिए जब वैसे सिंबल्स उन्होंने दिए तो अब ये देखिए एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आप अगर सामान्यतः वैसे व्यक्तित्व को उछालेंगे जो एक खास समुदाय से जुड़ा होगा अब शिवाजी का संघर्ष किसके साथ है आप समझ सकते हो तो एक हिंदू मुसलमान के बीच रिफ्ट पैदा होता चला गया मतलब जो इन्फेक्शन पहले लगा था संप्रदायवाद का वो इंफेक्शन बढ़ता चला गया और हमें पता भी नहीं चला वी वी इनोसेंट इधर सर सैयद अहमद खान इस बात को समझ रहे थे वो क्या कर रहे हैं हम लोग समझ रहे थे हम लोग राष्ट्रवादी हैं हम लोग इंडिया, इंडिया के हक में सोच रहे हैं सर सैयद अहमद खान सोच रहे थे कि हम भी इंडिया के हक में सोच रहे हैं लेकिन जब तक आप हमारी पहचान को स्वीकार नहीं करोगे तब तक हम आपके साथ नहीं तो अब इनका एजेंडा अलग था ये अलग अपना जो परंपरावादी मुसलमान है वो अलग तरीके से चल रहे थे और हमारे जो प्रबुद्ध नेता कांग्रेस के नेता थे उग्रवादी नेता थे वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे लेकिन जिन हथियारों जिन टूस का वो इस्तेमाल कर रहे थे वह टूस किस और मूवमेंट को ले जाएगी इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं था खैर चलिए तिलक वगैरह का फेज 19 19 के बाद जाकर समाप्त हो जाता है और फिर कांग्रेस इस दूसरे चरण में 1920 के बाद पहुंचता है क्योंकि 1920 के बाद जो आप कांग्रेस को देखते हो दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंट कांग्रेस क्योंकि के बाद गांधी का आगमन हुआ गांधी और गांधी जी के आगमन के बाद फिर कांग्रेस में एक नया फेज शुरू हुआ और वो नया फेज था मास मूवमेंट का फेज अब इसमें देखिए क्या होना है मास मूवमेंट के फेज में अब तीन तरह के नेता हैं एक तरफ गांधी हैं दूसरी तरफ अब कांग्रेस का भी सामाजिक आधार का विस्तार हुआ धीरे धीरे कॉम्युनिस्ट आ रहे हैं कॉम्युनिस्ट आ रहे हैं सोशलिस्ट आ रहे हैं यूथ लीडर्स यूथ लीडर्स हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस है पंडित जवाहरलाल नेहरू है ऐसे लीडर्स आ रहे हैं अब देखिए तब तक एक घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई और उस घटना के बारे में लगता है हमें सबको इस बात का ज्ञान होना चाहिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो सुना होगा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बा के बाद आपने शायद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी सुना होगा पेरिस शांति सम्मेलन तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो पराजित पक्ष थे पराजित पक्ष में जैसे ऑटोमन साम्राज्य था हैसवर्ग साम्राज्य ऑस्ट्रिया में हुआ करता था और जर्मनी ये सबको पनिश किया गया था तो हैसवर्ग साम्राज्य में आपको एक मानचित्र दिखाता हूं जो हैसवर्ग साम्राज्य बहुभाषा भाषी था तो बहुभाषा भाषी था हैसवर्ग साम्राज्य देखिए ये है आपको तो इसमें बहुत अलग अलग नस्ल के लोग थे और अलग अलग नस्ल के लोगों ने आप, लेकर और इस बात को उन्होंने क्या किया कि अलग अलग नस्ल को आधार बना लिया फिर इस पीस जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आपने पढ़ा होगा हो सकता है तो आपको पता होगा यूएसए का जो प्रेसिडेंट थे वो उड्रो विल्सन वो आ गए वो भी एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट के रूप में भूमिका निभा रहे थे और यही कह रहे थे कि भाई जो अलग अलग जो नस्लीय समूह के लोग है, उन्हें हैं उन्हें हम राइट टू सेल्फ जजमेंट दे रहे हैं आत्मनिर्णय का अधिकार दे रहे हैं फिर ऑस्ट्रिया हंगरी वोशलाविया अलग अलग नेशन बने अब देखिए ये पेरिस पेस कॉन्फ्रेंस ने चूंकि हमारे नेता भी तो प्रबुद्ध थे और आप जानते हो गांधी तो साउथ अफ्रीका में पहले मूवमेंट कर चुके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये सब वेल क्वालिफाइड कैरेक्टर्स थे वल्लभ भाई पटेल इस सब बहुत बड़े लॉयर्स थे और सब बड़े प्रबुद्ध थे और इंटरनेशनल स्केल पर होने वाले सारे डेवलपमेंट से वाकिफ़ होते थे मोहम्मद अली जिन्ना भी थे बहुत पढ़े लिखे लोग थे तो अब इन सबको एक फियर मन में हुआ कि अरे देखो ऐसा है कि ये ऑस्ट्रिया चिक, युगोस्लाविया चिकोसवाकिया इस तरह के अलग अलग राष्ट्र बने और इसका आधार एक खास नस्ल का होना उन्होंने दो बातें उनको मैसेज मिला एक उनको लगा कि देखो भाई हम तो एक न एक संप्रदाय के नहीं हैं हम बहुत साम्प्रदायिक हैं हमारा आकार भी इनसे काफ़ी बड़ा है हम बहुत जातीय हैं मतलब हमें बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता है और ये कहीं ना कहीं कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के आधार पर पश्चिमी नेशन बना है तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो बैठे हुए इस वर्ल्ड के हुक्मरान लोग हैं उन्होंने एक राष्ट्र क्रिएट किया है जिसमें कल्चरल यूनिफॉर्मिटी पर बल दिया है उस पर तो हम लोग डिसक्वालीफाई कर जाएंगे हम राष्ट्र बन ही नहीं पाएंगे और दूसरा एक मैसेज यह भी आया कि देखिए आप अगर नेशन होंगे और आपको एक नेशन के रूप में वैधता अर्थात लिटिमेसी तभी मिलेगी जब आपको वर्ल्ड स्केल पर जो वर्ल्ड के हुक्मरान लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये दोनों बड़े डरने वाली बात थी अब देखो यहां से हम आपको लाते हैं इस मुद्दे की तरफ जो मैं आपको बता रहा हूं जैसे देखिए अब यहां पर क्या हो है कि सर सैद अहमद खान वगैरह तो बहुत पीछे चले गए उधर एक मुस्लिम में जो एग्रेसिव है जैसे देवबंद है अहरान मूवमेंट है फिर जमात इस्लामी भी आ जाएगी तो इस प्रकार से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अपना परंपरावादी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे ये कैरेक्टर अब आते हैं उन पर अकेला चर्चा करने की जरूरत है वो है जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना तो अब पहले हम वन बाय वन आपको बताते हैं जैसे गांधी हैं तो गांधी हैं अब ये बात तो तय हो गई इस बात को सुभाष भी समझ रहे हैं नेहरू भी समझ रहे हैं और कांग्रेस के मुख्य महकमा भी समझ रहे हैं सोशलिस्ट कम्युनिस्ट भी आ चुके हैं वो सभी इस बात को समझ रहे हैं तो कम्युनिस्ट तो खैर कांग्रेस के साथ उनका कम्युनिस्टों का नजरिया तो बिल्कुल अलग रहा उनको तो वो तो इतिहास में कोई इस प्रकार का रोल खास प्ले नहीं कर पाए इधर क्या हुआ कि एक और प्रोटेगोनिस्ट का नाम लेना बहुत ही आवश्यक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि अगर ये छूट गए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा यह है कि देखो एक तो पंजाब में पहले ही हिंदू महासभा जैसी चीज़ बन गई थी और पंजाब हिंदू महासभा 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का भी गठन हुआ तो एक तरह से हिंदू महासभा एक नए संगठन के रूप में ये भी आ चुका है असहयोग आंदोलन के समय ये भी है तो अब इनका दूसरा नज़रिया है ये एक अरे कि मैं हम हिंदुओं के हितों की उसी प्रकार से रक्षा करेंगे जिस प्रकार से मुस्लिम लीग चूँकि अब सरकार के योगदान से अब मुस्लिम लीग गठित हो चुकी है हालांकि जिन्ना कांग्रेस के लीडर थे उस समय मुस्लिम लीग के मेंबर हो चुके थे परंतु वो कांग्रेस के लीडर थे लेकिन मुस्लिम लीग अब मुसलमानों की पार्टी हो गई तो मुझे हिंदुओं की पार्टी के रूप में हिंदू महासभा बना लिया तो इस प्रकार से ये सारे दल और बहुत विविधता आ गई राष्ट्रीय आंदोलन में किसान भी आ गए मजदूर भी आ गए महिलाएं भी आ गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी जनाधार का व्यापक विस्तार हुआ नेशनल मूवमेंट में नए नए एलिमेंट्स आ गए दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जिन कारणों से राष्ट्रवाद की प्रगति हो रही थी उन्हीं कारणों से संप्रदायवाद की ही प्रगति हो रही थी और हमें पता नहीं चल रहा था जैसे मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि जिस समय जन आंदोलन का युग शुरू हुआ तो जन आंदोलन को लाने में जो 1920 में गांधी जी ने जो सौदा किया तो पहले हम देखते हैं वन बाय वन कि कहाँ किन नेताओं ने भूल की वन बाय वन लाते हैं क्योंकि हम अगर डेट्स के अनुसार करेंगे तो फिर वहां आपको दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे अनुमति दीजिए कि मैं वन बाय वन अब इन चारों को लाता हूं क्योंकि इन चारों को याद रखना आवश्यक है कांग्रेस और कांग्रेस की जब बात होती है तो दो नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाता है और वह नेता है यस yes, ऐसे करते हैं एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको पेज को ही बदलता हूं आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट्स ऑफ पार्टीशन के रूप में तो एक आ गए ब्रिटिश ब्रिटिश अब इसी पर हम लोग यहीं पर आपको मैं बता के और समाप्त करना चाहूंगा ब्रिटिश दूसरे आ गए लीग एंजिना तीसरे आ गए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इसमें कई हैं इसलिए हम केवल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस कर देते हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे हिंदू महासभा है और आरएसएस है ये दोनों मुख्य है लेकिन इसके अलावा भी और भी इधर है कांग्रेस और कांग्रेस में मैं दो व्यक्तित्व का नाम ले रहा हूं एक है गांधी एंड नेहरू ये दो व्यक्तित्व हैं। तो पहले चलिए एक एक की बात करते हैं ब्रिटिश तो ब्रिटिश ने इसी शुरू में भरकाया और आग लगाई ओके अब आग लगाई इसने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति को भरका दिया भड़काया तो लेकिन यह इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए कुछ नहीं करने की वजह यह थी कि पहले भड़काया तो लेकिन कई ब्रिटिश के बीच भी ब्रिटिश एम्पायर के बीच भी कई मामले में मतभेद हो रहा था तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब इससे ज़्यादा अगर भड़काएंगे तो यह सेल्फ डिफीटिंग फैक्टर हो जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम संप्रदायवाद हमारे ऊपर हावी हो जाए तो एक सीमा तक भड़काने के बाद इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया था लेकिन तभी शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में अगर पूरे हिस्ट्री पर नज़र डालोगे तो पता चल जाएगा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने सरकार के साथ जमकर साथ दिया था अब जब बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आई थी तो गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि ना एक पाई ना एक भाई इस बार मैं आपको कोई सहायता नहीं करूंगा जब तक आप कोई एक मेजर कमिटमेंट हमारे साथ नहीं करते हैं और अगर सेंटर में आप जब तक एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं मतलब आप केंद्र में एक भारतीयों की सरकार बनवा दीजिए और यह वादा करिए कि युद्ध के बाद आप हमें एक संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे नहीं तो हम वॉर में आपकी सहायता नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच कोई डील नहीं हो सका तो फिर गवर्नमेंट समस्या ये खड़ी हुई कि उनको और पार्टनर्स को भी जवाब देना होता था यूएसए को जवाब देना होता था या बाकी चीजों को तो चाइना को चैंकाई शेख को इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ने कि अपने फेस को बचाने के लिए हालांकि उसमें तक यूएसए पार्टनर नहीं हुआ था थोड़ा थो वो लेट आया है लेकिन वो अपने फेस को बचाने के लिए उन्होंने जिन्ना के साथ डील किया कि जिन्ना को कि भाई जिन्ना साहब आप आइए हमारे साथ तो जिन्ना तो इसमें बहुत करी सौदेबाजी जिन्ना ने कर ली जिन्ना ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ वॉर एफर्ट्स में आपकी सहायता करेंगे लेकिन आप हमारी दो शर्तें पूरी करनी होगी एक शर्त उन्होंने कहा कि पहली बात कि आपको यह ध्यान करना और यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भविष्य में भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनके सर्वान्य नेता के रूप में आप केवल मुझसे वार्ता करेंगे अब यह क्यों उन्होंने कहा उसका कारण मैं आगे बताऊंगा अभी आप फिलहाल इतना ही जाने तो ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया फिर दूसरा उन्होंने कहा कि आप हमें एक, एक एक वीटो पावर देंगे मतलब आप यह वायदा करेंगे कि भविष्य में भारत में आप ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाएंगे जिस पर हमारी मंजूरी नहीं हो मतलब आप इंडिया के बारे में कोई ऐसा आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन नहीं लेंगे जिसमें जिसमें कि लीग का अप्रूवल नहीं हो गवर्नमेंट तो ने वो भी अप्रूव कर दिया तो अब जिन्ना हो गए बहुत पावरफुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक और उसके बाद इन्होंने वेवल योजना जो जोवेल प्लान था जिसमें मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा नाइनटीन में उसको इन्होंने बुलडोज कर दिया बुलडोज इसलिए किया क्योंकि इनको उन इसमें ये कहना था कि कांग्रेस को कि वे कांग्रेस केवल हिंदू प्रतिनिधि को चुनकर भेजे कांग्रेस को मुसलमानों को भेजने का कोई राइट नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग ही केवल मुसलमान प्रतिनिधि को चुन सकती है ओके okay, समझ लीजिए इस बात को कांग्रेस ने इन प्रिंसिपुल नहीं माना तो इन्होंने उसको बुलडोज कर दिया अब उसको समाप्त कर दिया तो कुल मिलाकर जिन्ना नाइनटीन के तक आकर काफी पावरफुल हो गए थे फिर आगे ब्रिटिश का क्या हुआ कि ब्रिटिश का अपना कुछ स्वार्थ हुआ जिसमें बीच में इसने थोड़ी कोशिश करी कि अगर ये पार्टीशन टल जाए तो बेहतर हो उसमें ब्रिटिश का अपना स्वार्थ था उसमें उसका इंटरेस्ट यह था कि ब्रिटिश को यह लगता था कि अगर हम इंडिया को डिवाइड कर देंगे तो हो सकता है कि आगे कांग्रेस की जो सरकार बनेगी वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में चूंकि उसने एक कॉमनवेल्थ भी बनाया था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, में वो मेंबर होना नहीं स्वीकार करे और फिर हमारा पोजिशन वहाँ थोड़ा खराब हो जाएगा तो इस वजह से उसने बीच में कैबिनेट मिशन योजना भेजी तो कैबिनेट मिशन योजना में उसने जो प्रपोजल रखा उसमें रखा कि देखो हम ऊपर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना देते हैं जिसमें केवल तीन ही सब्जेक्ट होंगे प्रतिरक्षा होगा यानी डिफेंस होगा विदेश होगा फॉरेन अफेयर्स होगा और कम्युनिकेशन होगा और नीचे स्टेट रहेगा और बीच में हम हिंदुओं को और मुसलमानों के स्टेट्स को अलग अलग तीन ग्रुप बना देते हैं तो एक ग्रुप में उसने हिंदू बहुल स्टेट को बना दिया दूसरे में मुस्लिम बहुल स्टेट उत्तर पश्चिम के स्टेट को बना दिया और तीसरे में उसने उत्तर पूर्व के जो दो मुस्लिम बहुल स्टेट हैं उसको सिख ग्रुप में रख डाला और कहा कि इनको अलग समित इनको अपना अलग अलग सरकार गठित करने का राइट होगा पूरे ग्रुप को और पूरे ग्रुप मिलकर अपना कॉमन विधानमंडल यानी कॉमन लेजिस्लेटिव असेंबली ले तो जिन्ना को लगा कि भाई सेंटर तो बस तीन ही सब्जेक्ट का होगा और पूरी पावर में हमें पांच के पांच मुस्लिम स्टेट्स हमारे हाथ में आ जाएंगे और उधर छह स्टेट्स कांग्रेस के अंतर्गत रहना था तो जिन्ना को लगा कि चलो बराबरी का ही लगभग सौदा हो जाएगा हम ऐसा करते हैं इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बीच में गवर्नमेंट ने इसको दी थी परंतु कुछ कारणों से कैबिनेट मिशन पर सहमति नहीं बनी उसकी भी चर्चा हम थोड़ा आपको आगे कर देते हैं लेकिन फिर गवर्नमेंट ने देखा कि अब यहाँ विभाजन को रोकने का मतलब यह है कि विभाजन को अगर हम रोकते हैं तो इसमें बहुत खून खराबा हो अब इसमें खून खराबा भी होगा और थोड़ी हिंसा भी होगी और थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा इंडिया से अब उनका इंडिया में इंटरेस्ट समाप्त हो चुका था इकोनॉमिक रीजन से भी समाप्त हो चुका था और फिर वो अब इंडिया का हेडेक मोल लेना नहीं चाहते थे जो आप अभी यूएस को अफ़गानिस्तान में देख रहे हो कुछ वही है कि रायता फैला दिया था परंतु साफ़ नहीं करना चाहते थे तो उनको यहाँ से निकलना था तो निकलना था तो अब उन्होंने प्रायोरिटी दी कि हम पाकिस्तान को ही भविष्य में पार्टनर बना लेते हैं जो आप देख रहे हो अभी पाकिस्तान ने उनको कितना बड़ा रिवार्ड दिया है कि जो भविष्य में चूंकि कोल्ड वॉर शुरू हो गया था कि भविष्य में हमें अफगानिस्तान में सोवियत रूस के विस्तार को रोकने के लिए पाकिस्तान के सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो कोल्ड वॉर में उनका इंपॉर्टेंस पाकिस्तान को लगा तो कहीं ना कहीं विभाजन में चर्चिल का भी वहां एक एक एजेंडा पहले से ही बना हुआ था और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी का भी हिस्सा माना जाता है तो चलिए ये तो ब्रिटिश के साइड से हुआ इसको छोड़ देते हैं अब आइए लीग एंजिना क्योंकि देखो अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि हाई पॉलिटिक्स और पार्टीशन को छोड़िए और पार्टीशन लिटरेचर को पढ़िए लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा कॉमन पीपल ने कैसे सफ़र किया दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो एंड ये हमें एक सिग्नल देता है लेकिन हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन इसलिए जानना आवश्यक है कि जो निर्णय सेंटर में लिया जाता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेप उठाती है उसका इंपैक्ट कॉमन पीपल पर क्या पड़ता है यह भी तो इक्वली जानना काम है और यह काम भूमिका तो इतिहास ही निभा सकता है यह ब्रिटिश का रहा अब लीग और जिन्ना को देखिए जिन्ना के साथ क्या था कि जिन्ना एक सेकुलर टेम्प्रामेंट के लीडर थे और कहीं ना कहीं सर सैद अहमद खान की तरह जिन्ना भी थे लेकिन जिन्ना जैसे पहले सूट नेक्टाई पहनते थे स्कॉच विस्की पीते थे रोज़ा नवाज़ वगैरह से उनका कोई जुड़ाव नहीं हुआ हुआ करता था तो ये प्रायः गलतफहमी हो जाती है जिन्ना के बारे में कि एक सेकुलर लीडर थे हम व्यक्तिगत लाइफ में सेकुलर थे क्योंकि धर्म से उनका जुड़ाव नहीं था लेकिन दो कारणों से अब यहाँ दो कारणों से जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि 1920 तक अब कांग्रेस के साथ रहे और 1920 के बाद आपने अचानक से ही पाला पटक दिया और यू टर्न ले लिया वजह क्या थी तो वजह मानी जाती है एक कि गांधी जिन्हें जो मैं गांधी जी में भी इस बात की चर्चा करूंगा खिलाफत के मुद्दे को उठाया खिलाफत 1920 में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था वो खिलाफत के मुद्दे पर चलाया था और खिलाफत एक धार्मिक मुद्दा था क्या आप लोग खिलाफत के मुद्दे को जानते होगी मैं मुझे जहां तक मैं ये मानकर चलूँ कि ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा को पीरिस पीस कॉन्फ्रेंस में दंडित किया जा रहा था और उसको पद भी समाप्त हो रही थी और बहुत सारा ऑटोमन साम्राज्य का भूभाग यूरोपीय लोग छीनना चाहते थे यूरोपीय शक्तियां ब्रिटेन फ्रांस आदि ने मिलकर तो उन्हीं की सिंपैथी में क्योंकि वहां का जो खलीफा था ऑटोमन साम्राज्य का जो मुखिया था वो मुस्लिम विश्व का खलीफा था तो मुस्लिम लीग ने उसे समर्थन दिया कि उनके साथ रियायत बढ़ती जाए क्योंकि वो मुस्लिम जगत के प्रतिष्ठित और वो बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और खलीफा हैं सो जस्टिस शुड बी मेटेड टू हिम लेकिन ब्रिटिश ने इस पर सुनवाई नहीं की तो इससे मुस्लिम लीग बहुत नाराज हो गई और गांधी जी ने इसका फायदा उठाना चाहा राष्ट्रीय हित में और उसने उसको जोड़ लिया ओके तो जोड़ लिया तो माना जाता है कि यह गांधी जी का जो एक्सपेरिमेंट था यह बहुत घातक सिद्ध हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति में धर्म के औचित्य को सिद्ध कर दिया और धर्म को औचित्य सिद्ध करने से आगे चलकर इसे मुस्लिम लीग और धार्मिक राजनीति को भारत में वैधता मिल गई खैर ये बात भी हम करेंगे आगे तो ये जब ये जाते हैं जब जिन्ना सेकुलर व्यक्तिगत टेम्परामेंट में है लेकिन उस खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि जितनी इम्पोर्टेंट सेकुलर टेम्परामेंट के नेता थे वो सब हाशिए पर चले गए और जो बड़े बड़े उलेमा थे जो बड़े बड़े जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे जो रूढ़ीवादी मुसलमान थे वो सब आ गए पृष्ठभूमि यानी मुख्य धारा में आ गए तो इसी पर कहा जाता है कि भाई ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ गई ये तो एक एक बहुत बड़ा डैमेज हो गया क्योंकि अगर मतलब इस तरह के एलिमेंट्स अगर फ्रंट पर आ गए तो इसका मतलब है कि अब इंडिया से सेकुलर पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगा तो माना जाता है कि जिन्ना इस बात से कहीं ना कहीं खफा हो गए जिन्ना असंतुष्ट हो गए दिस इज सपोज टू बी सिंगल वन पॉइंट कि इस बात से जिन्ना असंतुष्ट हो गए लेकिन देखो उसके अंदर की बात यह है कि जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना है वह एक संवैधानिक राजनीति में विश्वास करते थे वो ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करते थे वह जनता के बीच जाना नागवार गुजरता था वो एक इली टेम्परामेंट के थे अपने पैलेस पैलेसियल बिल्डिंग में बैठे हुए हैं बीच बीच में जाकर विधानमंडल में कुछ स्पीच दिया और गांधी जी ने जो ही स्टार्टेड इंट्रोड्यूस्ड एन एरा ऑफ मास मूवमेंट उन्होंने एक जन आंदोलन के युग की, की शुरुआत की वो जिन्ना को रास नहीं आई उस समय तो जितने भी संविधानवादी लीडर थे चाहे वो मोतीलाल नेहरू हों या मदन मोहन मालवीय हों ये सभी का कद छोटा हो गया लेकिन उन सब की मजबूरी थी क्योंकि कहाँ जाते हो उनको तो कांग्रेस के साथ और गांधी जी के साथ जाना था लेकिन जिन्ना के पास तो एक प्लेटफॉर्म था जिन्ना ने सोचा कि भाई हम उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो मुख्य रूप से जिन्ना को गांधी के जन आंदोलन की राजनीति में अपने राजनीतिक कद छोटा होने का डर हुआ दैट इज सपोज टू बी द इम्पोर्टेंट कॉज बिहाइंड सो कॉल्ड कॉमनल पॉलिटिक्स ऑफ जिन्ना ये हुआ जिन्ना का आलम। उसके बाद तो फिर जिन्ना एक कॉमनलिज्म हुआ स्मोकिंग है जैसे अगर कोई एक सिगरेट से पीना शुरू करता है तो एक टाइम आता है कि चेन स्मोकर बन जाता है माय स्टूडेंट्स कॉमनलिज्म या कॉम्यनल पॉलिटिक्स में कोई एक लिमिट नहीं होता जब एक बार वो शुरू होता है तो उसका एंड कहाँ होगा यह तय करना मुश्किल हो जाता है तो वही बात जिन्ना के साथ हुई कि पहले वो मॉडरेट कॉमुनलिस्ट रहे सोचा कि चलो हम थोड़ा से काम चलाते हैं नाइनटीन में चल कर, जब धीरे 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 जब उनको ऐसा लगा 1937 के चुनाव में जब उनको मात हुई जब बहुत गहरा झटका लगा और चुनाव हार गए मुस्लिम लीग आप समझ सकते हो कि, कि किसी भी प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार गठित नहीं हुई और जो मुस्लिम बहुल जो आरक्षित सीटें थी वहाँ पर भी मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा तब तो जिन्ना को एक झटका लगा कि नहीं अब ये आध अधूरे एजेंडा से काम नहीं चलेगा और वह उग्र सांप्रदायिक जिन्ना होते चलेगा सांप्रदायिक होते चले गए अब वही जिन्ना है जिन्होंने आप देखोगे लाहौर प्रस्ताव लाया पृथक मुस्लिम प्रांत का प्रस्ताव पारित किया द सेपरेट मुस्लिम स्टेट्स और फिर उन्होंने एक पूरा प्रचार कार्य शुरू किया अब मुस्लिम लीग की बैठक मस्जिदों में होने लगी नारा दिया जाने लगा लड़ कर लेंगे पाकिस्तान ये वो जिन्ना थे जो पहले शुरू हुए ऐसे लेकिन एंड उनका ऐसा हुआ अब आया यहां पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस अब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में आ, मैं आपको पहले ऐसा करता हूं कि पहले गांधी और कांग्रेस करके और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस वो तीनों को जस्टापोज करके बताता हूं और आप डिसीजन लेना कि इनका कहाँ कहाँ गलती थी जैसे देखिए गांधी जी की दो तीन गलतियां मानी जाती है जैसे देखिए ब्रिटिश ने भड़काया मुस्लिम लीग ने लाभ उठाया और विभाजन की तरफ बढ़े अब एक तरफ है समाजवादी सामवादी पार्टियां जो रोक सकते थे या आप उसको आप ऐसे समझिए तीन पार्टी को बुलाइए एक सरकार को रखिए जिसके बारे में मैंने बता दिया दूसरा लीग को रखिए सर सैयद अहमद खान से लेकर जिन्ना तक सीधे विभाजन और पार्टीशन सर सैयद अहमद खान ने अलग कौम के पहचान की बात की और जिन्ना उसको विभाजन के कगार तक ले गए रूप से तो मुख तो ब्रिटिश और जिन्ना हुए कांग्रेस एक मूवमेंट था जब मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो सबसे दुखद बात यह हो जाती है कि अगर उसी समय महात्मा गांधी की इस राय को मान ली जाती तो आज ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता वो कह रहे थे कि इस पार्टी को अब हम लोग अब डिमोबिलाइज़ कर दे और फिर इसके बाद एक दूसरी पार्टी अपना चुनाव लड़े कांग्रेस के लेगेसी को ही समाप्त कर दिया जाए तो आज हम लोग कांग्रेस को अच्छे सेंस में याद करते हैं लेकिन कांग्रेस एक खास राजनीतिक दल से जुड़ गया वो राजनीतिक दल बहुत समय तक रूल किया वो राजनीतिक दल आज भी रेस में है और आज भी उसी राजनीतिक दल से सभी को ऐसा लगता है कि कहीं कल इसकी सरकार न बन जाए तो अब क्या हुआ है कि कांग्रेस का जो नाम है वो एक पार्टी एक एक व्यक्ति के साथ एक लीडर के साथ एक फैमिली के साथ जुड़ गया दुर्भाग्य हुआ यह लेकिन उस समय में जब कांग्रेस की बात करूं तो आप लोग मनी मन समझ लेना कि मैं एक कांग्रेस मूवमेंट की बात कर रहा हूं तो कांग्रेस मूवमेंट पर अगर आप एक निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा उस समय कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे गांधी के और जिन्ना के और इन तीनों के तो अब यह सबसे बड़ा मूवमेंट था तो जब ब्रिटिश के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा जो यह खेल खेला जा रहा था तो कांग्रेस को तो हम इससे परे करके नहीं देख सकते कांग्रेस क्या कर रही थी अगर आपको मूल्यांकन करना है तो पहले देखिए कांग्रेस क्या कर रही थी अब आइए कांग्रेस क्या कर रही थी मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस को यह लग रहा था कि हमें नेशन बनाना है नेता भी प्रबुद्ध थे वो नेता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो राष्ट्र को नस्लों के आधार पर बांट दिया गया था उसे भयभीत भी थे और इतना ही नहीं बल्कि उस समय कुछ ब्रिटिश अधिकारी बहुत पहले जॉन स्ट्रेची एटीन में ही कह चुके थे कि इंडिया नेशन नहीं बन सकता क्योंकि वो विविधताओं का समूह है वह एक कॉन्टिनेंट है यूरोप की तरह और यहाँ पर बहुत विभेद है पंजाबी और बंगालियों के बीच इतना तो शायद स्कॉट और जर्मनस के बीच भी नहीं है यूरोप में वगैरह वगैरह कुछ इन्होंने ये बातें कह दी थी तो अब कांग्रेस और कांग्रेस के इन प्रबुद्ध नेताओं के दिमाग में यह बात थी कि पश्चिम के राष्ट्र अगर हम राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो हम डिस्कवालीफाई कर जाएंगे तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक मतलब एक कंपोजिट नेशन बनाना है एक ऐसा नेशन बनाना है जिसमें धार्मिक पहचान क्षेत्रीय पहचान भाषाई पहचान के लिए जगह नहीं तो पूरे आंदोलन में गांधी नेहरू और कांग्रेस के वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के जितने भी नेता थे सुभाष चंद्र बोस उन सबों ने यही प्रयास किया कि हम यहाँ पर पहचान की राजनीति ना आने दें और पूरे अखिल भारतीय के संदर्भ में मामले को रखें तो इसमें जब भी मुस्लिम लीग की बात होती थी तो इससे पहले सी आर दास ने भी बंगाल में मुस्लिम मुस्लिमों के साथ एक समझौता किया था जिसको आप सी आर दास फार्मूला भी कहते हो तो और सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे कुछ बंगाली इतिहासकार तो इतना ज़्यादा उत्साहित हैं कि उनका कहना है कि अगर सुभाष को गांधी जी ने नहीं यानी अब गांधी जी क्या करेंगे उसमें उनको ब्लेम किया जाता है जो कि सुभाष और गांधी दोनों को अलग अलग प्रोटेक्ट अलग अलग फिगर्स के रूप में या कह सकते हो कि राइवर्स के रूप में देखा जाता है तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर वो रिमूव नहीं होते सीन से तो हो सकता है कि विभाजन टल जाता है हालाँकि ये तो बहुत बड़ी बात है और इसको तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है लेकिन हाँ सुभाष का कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग या मुस्लिम लीडर्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश विदेश की समझ बहुत गहरी थी उस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे और इस बात को वल्लभ भाई पटेल भी समझ रहे थे कि भाई इंडिया कभी भी एक पहचान की राजनीति पर या हिंदू बहुलता या किसी भी इस तरह के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चल सकता तो कांग्रेस मूवमेंट का प्रयास यह था कि हम इंडिया में एक कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की अवधारणा को बढ़ने दें भाषा क्षेत्र जाति और धर्म एक अवधारणा नहीं आना पड़े तो एक तरफ वो अंबेडकर को भी से भी डील करते थे डॉक्टर अंबेडकर से दूसरी तरफ मतलब वो क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर मतलब जेन्युनली वो दलित वर्ग की पहचान की बात करते थे जब एक बार पृथक निर्वाचन की बात आई तो गांधी जी आमरन अनशन अरबदा जेल में शुरू कर दिया तो पूरी कोशिश से कांग्रेस लगी हुई थी कि हम यह करें लेकिन होता क्या है कि कहा जाता है कि दो तरह से काम होता है एक होता है थ्रू कमीशन और दूसरा होता है थ्रू ओमिशन कांग्रेस नेताओं में जो जितने भी रेस्पॉन्सिबल लीडर की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि बाद में चलकर तो मिक्स हो गए बहुत सारा जो हिंदुवादी संगठन के नेता थे वो भी कांग्रेस के मेंबर्स हो गए कुछ जो कांग्रेस के मेंबर्स थे हिंदुवादी संगठन से जुड़ गए तो हम उन्हें अपवाद में रखना चाहेंगे लेकिन जो कांग्रेस के जो प्योर कांग्रेस के जो लीडिंग नेता थे उन्होंने कभी भी अपने स्पीच में हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं या फिर हम केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या इंडिया हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए अपनी जवान से कहीं भी कोई एक डेटा आप पूरे हिस्ट्री में इस फैक्ट को खोजिए आपको नहीं मिलेगा यह बात उन्होंने नहीं निकाली इसलिए कि वो जान रहे थे कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और इस बात को भली भांति समझ रहे थे कि हमें किस प्रकार का राष्ट्र बनाना है लेकिन दो तरह से गलतियां होती है एक होती है थ्रू कमीशन दूसरी होती है थ्रू ओमिशन ओमिशन गलतियाँ इनसे कई हुई हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा जैसे गांधी जी जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे रिफॉर्मर्स ने किया बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव चलाया तो गांधी जी मीन नहीं करते थे गांधी जी का कौन से एक कंप्लीट नेशनल पैट्रोटिज्म का कॉन्सेप्ट था जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिया था कि विभिन्न जाति और धर्म के लोगों की उनकी पहचान को स्वीकार करते हुए हम राष्ट्रीय मुद्दे पर सबको आपस में जोड़े रखें लेकिन हाँ उनकी जो अपनी सांस्कृतिक और जातीय पहचान है उनको भी स्वीकृति मिले जाति और सांस्कृतिक पहचान की स्वीकृति या उनकी पृथक उनकी धार्मिक पहचान की स्वीकृति कभी भी राष्ट्रीय पहचान का विरोधी नहीं है तो उनका अपना अपनी अलग फिलोसॉफी थी तो उस ढंग से देख रहे थे वो क्या होता था कि अपने राजनीतिक सभाओं में जलसों में राम राज्य की अवधारणा की बात कर देते थे या कई बार वो उन्होंने जाति पर और धर्म पर कुछ ऐसी बातें कह दी रामायण की चौपाइयों का उदाहरण देने लगते थे तो कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे मुसलमानों में थोड़ा अलगाववाद की भावना पैदा हुई कि गांधी जी शायद कहीं ना कहीं हिंदूवादी ओके तो ये बात हुई और दूसरी तरफ जब खिलाफत का मुद्दा उन्होंने उठाया तो हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा कि उन्होंने बिल्कुल नहीं मुसलमानों को फेवर किया तो एक शायर का इसी पर हमें एक शेर याद आ गया कि तंगे जाहिद ने हमें काफिर माना और काफिर समझता है कि मैं मुसलमान हूं उनको हिंदू और मुसलमान दोनों में पर्याप्त कंफ्यूजन गांधीवादी विचारधारा पैदा पैदा हो हो रहा रहा था तो एक, तो एक ये फैक्टर हुआ अब देखिए नेहरू पर आते हैं तो नेहरू या कांग्रेस एज ए होल किसी एक लीडर को लेना सही नहीं है कांग्रेस एज ए होल कांग्रेस एज ए होल का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की गलती और कई स्थलों पर काउंट की जाती है एक काउंट यह की जाती है कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम लीग की स्तर पर वार्ता करता रहा और कभी भी वो मुस्लिम मास और हिंदू मास के यानी मुस्लिम मास के बीच जो सामान्य मुसलमान है उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि 1937 के चुनाव के बाद नेहरू ने एक प्रयास ऐसा किया था लेकिन वो प्रयास विफल हो गया क्योंकि कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी इतना तक कि गांधी जी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी पहले उन नेताओं के स्तर पर ही वार्ता करते रहे लीग के साथ वार्ता होती थी जिन्ना के साथ वार्ता होती थी गांधी जी ने जिन्ना के साथ नाइनटीन में वार्ता की इस कारण से भी जिन्ना का आकार काफी बड़ा हो गया काफी वो बड़े हो गए तो इन सब ये बातें हुई दूसरी बात है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो स्वयं एक मुस्लिम नेता है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक बात कही जो बहुत हमें अपील करती है उन्होंने कहा कि देखिए दो गलतियां कांग्रेस ने की एक तो उनका कहना था नेहरू की तरफ इशारा था कि 1937 में जो चुनाव हुआ था वो चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े थे और फिर तय यह हुआ था कि इस चुनाव के बाद दोनों की मिलीजुली सरकार बनेगी और वो कोलिशन गवर्नमेंट होगा लीग और कांग्रेस दोनों की लेकिन बाद में चूंकि कांग्रेस को अलग खुद ही अपने बल पर मेजोरिटी सीटें मिल गई तो कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया और सरकार कांग्रेस ने नहीं बनाई तो उनका कहना है कि इसे जिन्ना को काफी धक्का लगा और जिन्ना को लगा कि इस मेजोरिटी हिंदू देश में आगे भी हमारा यही हाल होने जा रहा है तो यह तर्क दिया जाता है तो इनका कहना मौलाना आजाद का कि उस समय अगर यह कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई होती और कांग्रेस ने अपने वचन की रक्षा की होती तो शायद यह स्थिति नहीं आती लेकिन मुझे लगता है बहुत विस्फुल थिंकिंग है क्योंकि जिन्ना का जो महत्वाकांक्षा जिस मुकाम पर थी उसमें केवल संयुक्त प्रांत में सरकार गठित हो जाने से विभाजन टल जाता है बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता है लेकिन चलिए सोशल साइंस है सभी को बोलने सभी को इंटरप्रेट करने का अधिकार है और बहुतों को इसे सच मानने का भी अधिकार है उन्हें भी हम मना नहीं कर सकते दूसरी घटना क्या हुई कि मैंने अभी अभी आपको कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आपको बताया था याद होगा तो कैबिनेट मिशन योजना में क्या था कि ऊपर के स्तर पर तीन थे ऊपर के स्तर पर जैसे मैंने बताया कि ऊपर के स्तर पर जो केंद्र है केंद्रीय सरकार के पास मात्र तीन विषय रहने थे प्रतिरक्षा विदेश और संचार और उसके नीचे सबसे नीचे प्रांत था और बीच में जो ग्रुप ए में छह हिंदू बहुल प्रांतों का समूह और बी में उत्तर पश्चिम के तीन मुस्लिम बहुल प्रांतों का समूह और सी में उत्तर पूर्व के दो मुस्लिम बहुल प्रांतों का समूह यह बनना था और इनको अपनी पृथक सरकार गठित करने का अधिकार था इनको अपना अलग विधानमंडल क्रिएट करने का अधिकार था तथा इन तीनों को अपनी सरकार अपनी अपनी और वास्तविक शक्ति अब केंद्र के पास तो मात्र तीन है विदेश प्रतिरक्षा और संचार और बाकी सारी शक्तियां मध्यवर्ती क्षेत्र को मिल जाएगी तो जिन्ना को बहुत कुछ मिल रहा था तो उसमें घटना एक हुई है जो मैं आपको बताऊं शायद आप हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा उसमें हुआ ऐसा कि जब कैबिनेट मिशन योजना आई और उसने ये प्रस्ताव रख दिए उसमें संविधान सभा का ही प्रस्ताव था अंतरिम सरकार का ही प्रस्ताव था तो उसको पहले मुस्लिम लीग जिन्ना ने स्वीकार कर लिया अब जिन्ना को उसमें क्या लालच थी वो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इन प्रांतों के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ जैसे देखिए ये प्रांत है इस प्रांत में अभी तो पाकिस्तान है ये जैसे देखिए इसको देखिए इसमें ये जो बल्क ये आप देख रहे हो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है ये इसको खैबर पख्तून वाला कहा जाता है ये जो पूरा का पूरा प्रांत होता था इस पर कांग्रेस की सरकार थी और पूरब में अगर आप जाओगे तो पूरब में आप जैसे इसमें कांग्रेस की सरकार थी तो इसमें कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में लीग की सरकार नहीं थी और बंगाल में लीग की सरकार नहीं थी तब नहीं तब तक बंगाल में बन चुकी थी सरकार सॉरी तो बंगाल में तब तक लीग की सरकार बन चुकी थी लेकिन तो पंजाब में अभी लीग की सरकार नहीं थी उत्तर पश्चिम में नहीं थी 46 की बात कर रहा हूं बंगाल में तो खैर फजलूल हक को हटाकर मुस्लिम लीग आ चुकी थी तो अब लीग की सरकार नहीं थी तो अब इनका नहीं। इधर भी लीग की सरकार आ चुकी थी हिंदू महासभा के समर्थन के साथ इनको भी छोड़िए पंजाब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रांत था केवल यहां लीग की सरकार नहीं थी इतना ही समझिए 46 मुझे 42 ध्यान में आ गया सिक्स यहां लीग की सरकार नहीं थी यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी सिकंदर हयात खान था तो उसमें ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं जिन्ना को लग रहा था कि हमें पांच के पांच मुस्लिम बहुल प्रांत पर तो कब्जा हो जाएंगे और असम पर क्योंकि असम को विभाजित करने की बात थी पंजाब को विभाजित करने की बात हो जाती है बंगाल को चूंकि वहाँ दोनों जगह पर हिंदू की एक अच्छी खासी जनसंख्या थी तो उनको लगता था कि कुल मिलाकर सौदा बुरा नहीं इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन कहा गया कि बाद में क्या हुआ कि किसी पत्रकार ने पूछ दिया पंडित नेहरू से कि अच्छा आपको क्या लगता है जो ग्रुप है वो अनिवार्य है या वैकल्पिक है अनिवार्य या वैकल्पिक का मतलब है कि अगर कोई प्रोविंस ऑप्ट आउट करना चाहे तो वो एक ग्रुप से निकल कर क्या दूसरे का मेंबर हो सकता है जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बोल रहा था हम नहीं जाएंगे ग्रुप बी में हम ग्रुप ए में रहेंगे मतलब कांग्रेस के हम तो हम ये छह हिंदू बहुल प्रांत में रहेंगे तो नेहरू ने कह दिया बिल्कुल कर सकता है इसका राइट है और दूसरी बात है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा बनेगी तो वो चाहेगी तो कैबिनेट मिशन योजना के किसी विभाग में संशोधन ला देगी तो कहा जाता है इसी पर जिन्ना भड़क गए और भड़क कर उन्होंने वो भाग गए और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना से बाहर आ गए और फिर सिक्सटीन अगस्त को ही डिक्लेयर्ड और मुस्लिम लीग डिक्लेयर द डायरेक्ट एक्शन डे दैट लेड टू कलकत्ता किलिंग तो अब ये चीज में कहते हैं मौलाना आजाद ने थोड़ा झुंझलाए उन्होंने कहा कि हमने गलती की जो प्रेसिडेंट में मैंने इन व्यक्ति का नाम सपोर्ट किया क्योंकि इसने पूरे कैबिनेट मिशन योजना को बुलडोज कर दिया कहीं ना कहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद इस विभाजन को नहीं होने देने के पक्ष में थे लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स आप ही बताइए एक मजबूत सेंटर जवाहरलाल नेहरू चाहते थे लेकिन एक मजबूत सेंटर वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे और एक शक्तिशाली सेंटर डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे सभी चाहते थे क्यों सब अपने अपने कारणों से जैसे नेहरू सोचते थे कि इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम इंट्रोड्यूस करेंगे ये तीन विषय पर कैसे हो पाएगा ये तो और वैसे भी आप व्यवहारिक रूप में देखिए तो क्या ये संघ चल सकता था आप देखिए गौर करके उसमें तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स फिर आगे चलकर इमर्ज करता आप कैसे इतने सारे वहाँ दक्षिण में दर्बिस्तान की बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट में नागा विद्रोही विद्रोह पर खड़ा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है और मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि वह गवर्नमेंट में बहुत अच्छा से कॉपरेट करता और जिन्ना इन लोगों के साथ बैठ कर और अच्छे ढंग से नीति का निर्धारण करते हैं आगे लिया कतली खान अब सोचिए ये सोचिएगा मेरी बात पर अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक तो यहाँ पर नेहरू को गलती ठहराई जाती है और यही मुकाम है इस जगह पर उसके बाद ये गलती बताई जाती है कि मार्च 1947 में माउंट बेटेन को डिस्परेट होकर कहा गांधी ने कि ऐसा करिए आप जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए तो बताया कि माउंट ने भी उत्साह नहीं दिखाया और न पटेल नेहरू किसी ने उत्साह नहीं दिखाया अब एक बात बताइए क्या यह गांधी जी की विशफुल थिंकिंग नहीं थी जब गांधी जी ने केवल पाकिस्तान को फंड दिलवा दिया था जैसे यहां पर जो अनशन उन्होंने दिल्ली में शुरू किया गांधी जी की हत्या किस परिस्थिति में हुई आप जरा याद करिए नोआ बचकर आ गए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और जहां पर उन्हें दंगे रुकवा दिए माउंट बेटे को भी उनका लोहा मानना पड़ा जो फिफ्टी थाउजेंड सोल्जर्स नहीं रोक पाए थे दंगे बाकी क्षेत्रों में और गांधी ने अकेला रोक दिया तो माउंट बेटे ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा लेकिन नोआ खाली से बचकर चले आए अंत में दिल्ली में उनकी हत्या हुई और वो किसी मुसलमान की गोली से नहीं मरे और ये बहुत उस समय के लिए बहुत मैंने एक तरह से समझिए तो एक बहुत बड़ा बचाव हुआ नहीं तो फिर वो कैसा रुख पकड़ता देश में ये कहना बहुत मुश्किल है गांधी और क्या चार्ज था कि वो मुस्लिमों को फेवर करते हैं। मैंने अभी अभी एक शेयर आपको बताया था तो गांधी जी जब यहाँ आए और देखा दंगों में कि भाई इस तरह की हालत खराब पड़ी हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है हम ऐसा नहीं कर सकते और बहुत तो दुखी हुए और उन्होंने कहा कि नहीं मुसलमानों को घर से निकलने की अनुमति मिले उनके मस्जिदों पर को भी जाने की अनुमति मिले पाकिस्तान का फंड इंडिया ने रोक लिया था एक ख़ास जो ब्रिटिश के द्वारा एक रकम दिया गया था वो उन्होंने जो उधार लिया हुआ था उसमें इंडिया और पाकिस्तान को शेयर मिलना था तो वही पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जाने वाला था लेकिन उसने कश्मीर पर हमला कर दिया था तो वही माउंट बेटेन और बाकी जो पटेल और नेहरू थे इन्होंने तय यही किया कि अभी फंड को रोक दिया जाए नहीं तो वह मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगा अब गांधी जी का तो आप जानते हैं कि वो बिल्कुल एबसुलट जस्टिस में विश्वास करते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं इस ट्रंप इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाए और माउंट बेटे से लिखित रूप से ले लिया अब ये तात्कालिक कारण बना गांधी जी की हत्या का हिंदुवादी संगठन ने गांधी जी की हत्या कर दी अब बताइए सिर्फ फंड पाकिस्तान ट्रांसफर हो रहा है तो गांधी जी की हत, जैसे महान व्यक्तित्व आज तक लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व को गोली से हत्या हो गई ये कैसे इंडिया इंडिया पहले इस प्रैश्चिस से तो मुक्त हो अगर इंडिया को मनाना है तो फोर्टीन अगस्त के साथ थर्टी जनवरी को भी तो मनाए कि ऐसे महान आत्मा जिनको विदेश में जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही इस बात को स्वीकार कर पाई कि हर मांस का कोई इंसान इस धरती पर चला था एंड ही थ्रू यू कैन बुलेट दिस जस्टिस तो हम आपसे यह पूछते कि जो जो लोग गांधी जी की इस रियायत को नहीं स्वीकार करे और मार्च 1947 में अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनते तो कितनी हत्या होती कितने दंगे छिड़ते क्या हो जाता है इस देश में सोचिए और इस बात को तो वल्लभ भाई पटेल और नेहरू बहुत तो अच्छी तरह जान रहे थे कि ये बाप, ये बापू का विशफुल थिंकिंग है दिस इज नॉट पॉसिबल तो हर चीज को थोड़ा रास्ता नहीं कर देखिए तो आपको खुद इसका पता मिल जाएगा अब देखिए अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं आपको बता रहा था अब आइए ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का हमने लगभग सबकी चर्चा की ब्रिटिश का मूल्यांकन किया लीग एंड जिन्ना तो ब्रिटिश और लीग और जिन्ना से अब विशेष मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों मेन प्रोटेगोनिस्ट हैं एक ने बढ़ावा दिया दूसरे ने पार्टीशन की स्थिति लाई हमारे विचार का मुख्य रूप से विषय होना चाहिए कि इंडियन पार्टीज का क्या रोल रहा उसमें हमने कांग्रेस की चर्चा हमने की गांधी की चर्चा की नेहरू की चर्चा की इन सभी के विषय में मैंने आपको बताया कुछ जैसे और लीडर्स हैं अलग अलग सबकी चर्चा तो संभव नहीं है परंतु कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने लिमिटेशंस बताया अब आते हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस पर यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजेशंस शब्द का प्रयोग किया क्योंकि इसमें मुख्य रूप से आते हैं हिंदू महासभा और आरएसएस लेकिन इस तरह के और बहुत राम राज्य और बहुत इस तरह की हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे और ऐसे ऐसे थे जो बहुत जल्दी खड़े हो जाते थे या फिर नाइनटीन में जो माहौल हुआ उसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे क्षेत्रवार बनने लगे कभी डिस्पर्स कर जाते थे कभी बन जाते थे तो उन सबको काउंट करना बहुत ही मुश्किल है ये दो उसमें मुख्य हैं तो चलिए इनका क्या विचार है इस पर हम थोड़ा देखें तो मैं समझता हूँ कि जब आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसमें आपने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की बात कही तो मेरे विचार से थोड़ा सा इनके समानांतर लेफ्टिस्ट एंड कम्युनिस्ट की भूमिका भी पर भी हमें नज़र रहनी चाहिए क्योंकि देखो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ लेकिन मजबूरी यह है कि अगर हम इसमें आपको हमने जज बनाया है तो हमें साथ सभी के पक्ष को रखना पड़ेगा और सभी के पक्ष में जितना प्रिसाइज हुआ जा सकता है मैंने कोशिश करी लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं इसलिए थोड़ा लंबा होना स्वाभाविक है आप लोग को अगर एक बार में दिक्कत हो तो दो बार में इसको ब्रेक करके देखिए लेकिन देखिए अवश्य दूसरा हम सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी भी चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि इनका भी इनको भी शिकायत है कि पार्टीशन को रोका जा सकता था किया जा सकता था नहीं किया गया तो चलिए पहले हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में हम हिंदू महासभा की बात करते हैं और पहले हम आते हैं जो हिंदू महासभा के जो दूसरे अध्यक्ष है चूंकि पहले तो मदन मोहन मालवीय थे, थोड़ा थो उनका मॉडरेट अप्रोच था लेकिन बाद में जो एक मॉडरेट लीडर को विस्थापित करके जो थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं रेडिकल थोड़ा एग्रेसिव लीडर के रूप में आए थे वे थे वी डी सावरकर वो कुछ एक बड़ा चेंज चाहते थे तो देखो वी डी सावरकर के विषय में मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू आपको रख देता हूं ये पिछले कई डेकेड से मुझे ध्यान है कई डेकेड से विवाद के विषय में रह का है, रहे हैं पहले भी एक बार टू थाउजेंड वन टू के करीब में ये मुद्दा उभर कर आया था उसमें इंटरव्यू में भी मैंने बच्चों को गाइड किया था क्योंकि उससे कुछ पहले कुछ ही समय पहले पार्लियामेंट में उनका पोर्टेचर लगाया गया था जिस पर काफ़ी विवाद शुरू हो गया था उसके कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू शुरू होने वाले थे तो यहाँ पर हम दोनों व्यू रखते हैं भारत में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके दृष्टिकोण में वी डी सावरकर एक महान राष्ट्रवादी हैं और जिन्हें भारत रत्न तक का अवार्ड मिलना चाहिए तो वो उनका अपना पॉइंट अभी वो मानते हैं कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत कुछ किया है और लेकिन वह काउंट नहीं करा पा रहे हैं कि क्या क्या किया है उन्होंने कहा है जैसे एक तो सब की आंखों के सामने यह है कि भाई वो भारत में बहुत सारे कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने सजाए काला पानी का दर्द झेला होगा जो मैं उन नेताओं की बात नहीं करता जो क्रांतिकारी थे वो तो फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ नहीं पाए जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थे उन नेताओं में बहुत कम ऐसे नेता थे बहुत कम क्या मुझे नहीं लगता दूसरा कोई ऐसा नेता थे जिन्होंने उस दर्द को झेला हो जो अंडमान निकोबार में जो काले पानी सजाए काले पानी में सजाए काला पानी के क्रम में वी डी सावरकर ने झेला था तो इसलिए उनको कहा जाता है कि वो महान राष्ट्रवादी थे उन्होंने इतना दर्द झेला और लेकिन जिन बातों के लिए सम्मानित उन्हें किया जाता है प्राय उसमें उनका एक केरि... उनका जो सेकंड हाफ ऑफ कैरियर है उसमें उनका एक दूसरा रोल भी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो सेकंड हाफ ऑफ जो उनका कैरियर है उसमें दूसरा रोल है हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में तो उनकी काफी तारीफ होती है और कहा जाता है कि वह वा वास्तव में वह वा एक बहुत ही उच्च पद डिजर्व करते हैं इंडिया में उनका उच्च पद से मेरा आशय है कि उनको कोई उच्च सम्मान मिलना चाहिए दूसरा जो उनके अपोनेंट हैं जो उनके क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं तो भाई अस्पष्ट भूमिका कैसे नहीं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे तो मैं आपको बताऊं कि पीछे जो हमने बताया कि कई बार क्या होता है कि नेशन बिल्डिंग के क्रम में डीएनए में जो कुछ कॉमनल भावना चली जाती है जो अनजानी हमारे बहुत सारे सुधारकों में गई थी तो कुछ यह भावना वो वह जो विचार है वह दृष्टिकोण है या वो जो वो कुछ न कुछ वी डी सावरकर शुरू में भी प्रभावित हुए थे जैसे उनको जब वो राष्ट्रवाद के चरण में थे जिस समय वो महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने बहुत सारे काम किए मित्र मेला नामक संगठन गणेश सावरकर के साथ मिलकर बनाया फिर उन्होंने अभिनव अभिनव भारत नामक संगठन बनाया लंदन में वो काफ़ी सक्रिय रहे और लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस में अपनी सक्रियता दिखाई बहुत महान क्रांतिकारी के रूप में लेकिन उस समय भी उन्होंने जब 1857 के रिवोल्ट पर जब उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1907 में उस समय उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन वो पहले चोटी के ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा लेकिन वहां भी आप देखेंगे कि वहां भी उसके पीछे तर्क में धर्म ही है इनका कहना है जिस ग्रुप के स्कॉलर्स हैं जो उनके ओपोनेंट्स हैं तो उसमें धर्म ही है क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियंस और के अगेंस्ट में या क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में इस्लाम का और हिंदुज्म का एक तरह से वहाँ पर उन्होंने एक एलायंस की तरह देखा था उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता देखी थी क्रिश्चियन या यूरोप या क्रिश्चियन ब्रिटेन के अगेंस्ट में तो यह कहीं ना कहीं वो बात रिलीजन से ही आकर निकलती है खैर चलिए फिर भी इतना तो जरूर है कि वो एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में रहे और वहाँ तक रह जाते तो इनका कहना है कि फिर भी वो सम्मान के बहुत बड़े पद के पात्र होते क्योंकि उन्होंने सजाए काला पानी भी झेला लेकिन फिर इनके जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि जब वो दस वर्ष के सजाए काला पानी में थे तो शायद वो दर्द क्योंकि इतनी पीड़ा वहाँ होती थी बहुत ही नेचुरल है कि शायद वो टूट गए और फिर अपनी इंटीग्रिटी को बनाकर नहीं रख सके जैसे उनके अपोनेंट्स कहते हैं कि उन्होंने मर्सी पेटिशंस की छः अपील की बात की जाती है अब नंबर्स को काउंट करना मुश्किल है लेकिन उन्होंने मर्सी पेटिशन गवर्नमेंट को दिए और अपने भविष्य में अच्छे आचरण का विश्वास दिलाया और तब उनको निकाला गया कहा जाता है हालांकि यह भी सभी मानते हैं कि वो महान एक तरह से कहें तो एक एक स्कॉलर थे उनके पास बहुत ज्यादा स्कॉलरली नॉलेज था उन्होंने उस समय जेल की दीवारों पर खुरज खुरज कर छः हजार पंक्तियां कविताओं की लिखी थी वो सब कुछ है लेकिन जब उन्होंने मर्सी पिटिशन दिया और फिर उनको 1921 में इंडिया लाया गया और फिर रत्नागिरी में जो उनका होम टाउन था वहाँ पर वो रहे और वहाँ मतलब अपने महाराष्ट्र में ही रत्नागिरी आप जानते हो तो वहाँ पर उनको 1937 तक रहे उसके बाद उनको छोड़ आज़ाद किया गया तो उसमें कहते हैं उनके क्रिटिक्स के लिलितुओं के साथ उन्होंने एक समझौता किया जिसमें भविष्य में अच्छे आचरण का विश्वास दिलाया कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट में यह काम नहीं करेंगे तो इनके जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिक्स यह कहते हैं कि भाई ऐसा मतलब उन्होंने मरसी पिटिशन ऑल दिया जो भगत सिंह ने दूसरे क्रांतिकारी जो फांसी पर लटक गए कितनी भी यातनाएं झेली या दास हो उन्होंने किसी ने कभी इस तरह का रिकॉर्ड नहीं रहा है तो उनके जो प्रोटेक्टर हैं डिफेंडर हैं उनका जो अपोलोजिस्ट जिनके लिए अब शब्द का इस्तेमाल करिए उनका यह कहना है कि देखिए ऐसा नहीं है वो बेसिकली उनका एक टैक्टिकल मेजर था वो टैक्टिकल मेजर इस क्रम में था कि वह जानबूझकर उन्होंने इस तरह का काम किया था क्योंकि वह कहीं ना कहीं एक तरह का वो चाहती थी किसी तरह से हम आज़ाद होकर और फिर आगे हम देश की सेवा कर सकें तो जस्ट उनका एक टैक्टिकल मेजर था जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी ने जो पद्धति अपनाई थी वही पद्धति उन्होंने अपनाई लेकिन उनका जो अपोनेंट है वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी की पद्धति कामयाब रही क्योंकि उन्होंने वहाँ औरंगजेब के सामने जो उन्होंने साहस दिखाया और वो मुगल दरबार में हालांकि औरंगजेब अनुपस्थित था लेकिन जब उनको पंच हजारी मंसदार में बैठाया गया तो खुलकर विद्रोह पर उतारू हो गए और बाद में जब उनको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी से निकलने के लिए उन्होंने कुछ टैक्टिकल मेजर्स लिए उन्होंने बीमारी का बहाना किया फिर मिठाई के डब्बों में निकल कर आए लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जब वो आए तो उन्होंने औरंगजेब को नाको दम कर दिया हमें लगता है कि औरंगजेब दिल्ली में दाढ़ी नोच रहा होगा लेकिन उसके बाद भी उनके अगेंस्ट में शिवाजी खड़े थे और वो वहाँ पर इस प्रकार के वारदातें कर रहे थे कि औरंगजेब के लिए असहनीय था लेकिन ऐसा वी टी सावरकर का ऐसा रिकॉर्ड इनका कहना है नहीं है क्योंकि जब वो छूटकर आए और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो ब्रिटिश के अगस्त में किसी भी मूवमेंट में खड़े नहीं हुए उल्टा उन्होंने कहीं ना कहीं जब इस तरह के आंदोलन का वातावरण बनने लगे तो उल्टा उन्होंने अपोज किया ये उनके बारे में कहना है तो मैं दोनों पक्षों को बताता हूं तो ये इसी क्रम में आरएसएस जिसको कि बलराम हेगड़ेवार ने उसका आ, केशव बलिराम हेगरेवाल ने उसका फाउंडेशन किया था 1925 अब देखिए मैं इनके का क्या कहना है ऐसा नहीं है हिंदू महासभा हो या आर एस यशु कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो इनका जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि इन्होंने पूरे नेशनल मूवमेंट के दरम्यान में यही तीन चीजें उन्होंने अपनाई है तीन इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको देखिए एक इनकी यह रही है इन्होंने कही न कहीं ना कहीं कल्चरल नेशनलिज्म इसके लिए हिंदी में आप कहेंगे तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया पहला तरीका इन्होंने जो अपनाया है उसको कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म कल्चरल नेशनलिज्म तो ये तरीका अपना है ये कल्चरल नेशनलिज्म का तरीका क्या है तो जैसे मैं आपको यह बताता हूं यह कहता है कि अगर आपके भौगोलिक क्षेत्र में कोई निवास कर रहा हो तो एक खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला भी एक खास राष्ट्र का हो जाए ऐसा संभव नहीं है जैसे सिंधु प्रदेश और हिमालय से लेकर सिंधु नदी और हिमालय से लेकर जो सागर तक है वो भारतवर्ष है और उस भारत उसमें रहने वाला एक हिंदू है और वह हिंदू राष्ट्र से जुड़ा हुआ है या राष्ट्र से जुड़ा हुआ है लेकिन वही यहाँ हमारे राष्ट्र का सदस्य हो सकता जो जिसकी पितृभूमि और जिसकी पुण्य भूमि चूंकि ये पवित्र स्थल है जो यहाँ के निवासी हैं उनकी पितृभूमि भी यही है और पुण्य भूमि भी यही है लेकिन जिनकी पुण्य भूमि यहाँ नहीं है वो भारत राष्ट्र के नहीं हो सकती तो अब देखिए इनके क्रिटिक्स का ये कहना है कि जैसे अगर इस तरह से मान लीजिए राष्ट्र है और आप बहुभाषा भाषी हैं आप बहु सांस्कृतिक हैं बहु धार्मिक हैं तो आप अगर अपने आप को राष्ट्र बनाना चाहेंगे चलिए हम इतना डिविजन नहीं करते हम धर्म के आधार पर ही करते हैं तो धर्म के आधार पर इनका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं तो एट्टी जैसे इसको और भी कर देता हूँ जैसे आप मान के चलते हैं कि ये आपका ये हिंदू है और इधर बाकी भी हैं क्या आप हिंदू हैं तो इतना दे देता हूँ आपको और बाकी उधर हैं क्रिश्चियंस हैं मुस्लिम्स हैं बाकी है तो मुख्य रूप से तो यही मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं तो आप एक राष्ट्र बनाना चाहते हो और आप यह कह रहे हो कि जिनकी पुण्य भूमि भी यही है तो वह पुण्य भूमि भी यही है और जो जिनका पितृभूमि भी यही है तो कुल मिलाकर आप क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को से बाहर कर रहे हो चलिए की संख्या तो बहुत कम है मुस्लिम्स उस समय 20 से 25 परसेंट अलग अलग डेटा मिलता है तो 25 परसेंट भी कुछ डेटा में मिलता है कि इतनी बड़ी संख्या है तो आप एक तरफ क्रिटिक्स का मानना है कि एक तरफ आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अखंड भारत के साथ आप इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कैसे मेल कराएंगे क्योंकि आपको अगर राष्ट्र बनाना है तो एक साझा राष्ट्र बनाना पड़ेगा जिसमें कि साझी कार्यक्रम को अपनाना पड़ेगा उसमें बाकी लोगों को भी सुनना होगा उनकी भी भावना का ख्याल रखना होगा लेकिन आप कह रहे हो कि आप इस राष्ट्र के हैं ही नहीं तो आप इस राष्ट्र के नहीं हैं बोल रहे हो और फिर कह रहे हो कि हमको अखंड भारत रखना है तो उनका ये कहना है कि आपका प्लान क्या है आपका प्लान ही तो क्लियर नहीं है कैसे रखेंगे आप प्रयोग के माध्यम से रखेंगे मिलिट्री फोर्स के माध्यम से रखेंगे या बाहरी शक्ति के माध्यम से रखेंगे या ब्रिटिश ने आपको कुछ आश्वासन दिया हुआ है कुछ तो रिवील करिए तो इस इनके विचारों में और इनके कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी डायकोटोमी दिख रही है, तो कि ये दोनों में तालमेल नहीं है और दूसरी बात यह है कि आपका एजेंडा कहीं भी आप राष्ट्रीय आंदोलन में उनका कहना है कि आप रिकॉर्ड बताइए सभी बताइए, भारत छोड़ आंदोलन बताइए कोई भी ऐसा मूवमेंट बताइए जिस मूवमेंट में आपने हिस्सा लिया हो आप खैर 1930 तक तो आप थे नहीं 1937 में आप आए आर 1925 से सक्रिय है एम एस गोलवालकर नाइनटीन से सक्रिय हुए तो इनका कहना है उससे पहले जो हिंदू महासभा थी वो हिंदू महासभा नहीं अपने आप को किस बड़ी मूवमेंट में या जो आरएसएस से चली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी इनका कहना है तो आखिर वो मूवमेंट पर तो भाग ले ही सकती थी लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन से वह दूर रही तो क्या इसका कारण है और 1930 में भी सभी ने आंदोलन में नहीं तो फिर इस प्रकार से कहीं पर तो उसकी उपस्थिति दिख नहीं रही तो किस प्रकार से वो राष्ट्र के हितों का संवर्धन कर रहे इसका हमें वो ब्यौरा दें इनका ये कहना है और तीसरी बात इनका ये कहना है कि जैसे आपने ब्रिटिश के साथ सपोर्ट की नीति अपनाई इनका मतलब कुल मिलाकर एजेंडा यह था कि भाई जिस प्रकार से मुस्लिम लीग ब्रिटिश के ब्रिटिश का प्यारा बना हुआ है और ब्रिटिश से बहुत तरह का कंसेस ले रहा है उसी प्रकार से हिंदू को भी ब्रिटिश पग नीति अपना कर इनका कहना है इन्होंने भी यह रणनीति अपनाई कि हम ब्रिटिश से कुछ कंसेसन्स लेंगे तो क्या कंसेस लेंगे मेजोरिटी आप हैं आप किसके अगेंस्ट में कंसेस लेंगे और आप जो कंसेश लेंगे उसका प्रकार क्या होगा फिर इसके अलावा जो एक अहम चीज है वो है कि आप एक तरफ यह दे रहे हो अखंड भारत की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं आप, आप न चाहते हुए भी आप एक राष्ट्र को के बारे में जो आपकी धारणा है वो संप्रदायवाद के करीब है और फिर मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा का यह बात समझ में बहुत लोगों को नहीं आ रही कि 1939 में जब कांग्रेस रिजाइन देकर भारत छोड़ो आंदोलन में थी तो हिंदू सभा महा, महासभा ने बंगाल में सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किस प्रकार मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई और जब सिंध में जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी जीएम एम सईद थे शायद उसके वो हेड तो मुस्लिम लीग की जब सरकार थी तो उसने एक प्रस्ताव पारित किया था जिस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि पाकिस्तान के फेवर में कुछ तो उसको हालांकि ठीक है हिंदू महासभा ने उसके अगेंस्ट में वोटिंग की लेकिन उस पार्टी के साथ तो उसका संबंध बना रहा तो ये चीज़ इनके क्रिटिक्स को समझ में नहीं आ रही है कि आप यहाँ कुछ और कह रहे हो यहाँ आपकी ये यह भूमिका दिख रही है और यहाँ आप इस प्रकार से दिख रहे हो और आप सम्मानित भी हो पूरा देश आपको याद करे तो किस बात के लिए याद करे आप दो चार उदाहरण ऐसे दो किस बात के लिए याद करें तो ये इनके क्रिटिस का कहना है अब आप सुनिए और देखिए हम इंटरप्रिटेशन को बदल सकते हैं लेकिन फैक्ट को नहीं बदल सकते फैक्ट में क्या क्विट इंडिया मूवमेंट में सिविल डिसऑर्विस मूवमेंट इन्होंने हिस्सा लिया नहीं लिया क्या यह सत्य है कि इनका कोलिशन गवर्नमेंट बना मुस्लिम लीग के साथ तो बना उसका क्या इंटरप्रिटेशन तो कुछ तो इंटरप्रिटेशन आना चाहिए और आया भी होगा मुझे पता नहीं है क्या आया है लेकिन इनके क्रिटिक्स कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन आया है तो ये इनके इसमें है अब बच गए कॉम्युनिस्ट तो थोड़ा सा आप कॉम्युनिस्ट पर देखिए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा सोशलिस्ट और कॉम्युनिस्ट पर भी देखिए अब देखिए अब इनके सोशलिस्ट और कॉम्युनिस्ट पार्टनर्स मतलब इन पर भी होते हैं ये दोनों दो पोल में हैं तो कॉम्युनिस्ट को इन साम्यवादी को लीजिए अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि भी आश्चर्य का विषय है या तो हिंदुवादी संगठनों ने

पंद्रह गणतंत्रों का संघ सोवियत रूस के गणतंत्रों को बनाया था उनमें से उनको औपचारिक रूप में राइट टू तो मतलब वो संविधान में था औपचारिक रूप में तो उन्होंने कहा कि भाई विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश है और विभिन्न जो अलग अलग सांस्कृतिक समूह थे उसको लेलिन ने अप्रूवल दे दिया था तो जैसा कि हमने पढ़ा है और हमने कहीं देखा है इनके क्रिटिक्स के विषय में अब क्या है कि इन्होंने भी मल्टी नेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंडिया के कंटेक्ट में एक्सेप्ट किया एक डेटा मैंने पढ़ा था उसमें तो 16 पहले राष्ट्र की बात थी और फिर 17 राष्ट्र तक बनाने की बात थी तो कहने कहीं लेलिन के मॉडल का प्रभाव इनके ऊपर हो सकता है तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ अस्पष्ट विभाजन पर या क्विट इंडिया मूवमेंट पर इनका भी जो रोल था वो बड़ा ड्यूबियस रहा Osionfish. मतलब ऐसा नहीं रहा कि बहुत फेवरेबल रहा ड्यूबियस रहा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो कांग्रेस का ही पार्ट थी बाद में उसने कहा हम विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं बहुत दुखी हो गई नाराज हो गई इधर हिंदुवादी संगठन भी कहते हैं हम पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते इधर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती कि हम पार्टीशन को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी भी इस प्रकार से कहती कि हम पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन अब मुद्दा यह खड़ा हुआ कि ठीक है आप पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन इनके क्रिटिक्स का मानना है कि पार्टीशन को रोकने के लिए आपने क्या किया कुछ तो आप ऐसा बताइए कुछ तो रिकॉर्ड दीजिए जैसे चलिए नेहरू ने कम से कम कारगर हुआ ना हुआ दैट इज अनदर थिंग लेकिन कम से कम इतना आपको देखने को मिलता है कि जो नेहरू की सरकार है उसने या नेहरू ने सरकार तो अभी नहीं आई है उसने एक मास मास मुस्लिम प्रोग्राम के लिए उस, शुरू किया। सो गए दिल्ली में आकर आमरन अनशन की नहीं जब तक दिल्ली में शांति नहीं हो जाती तब तक हम अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे तो अब इतना बड़ा और बाद में उन्होंने शहादत भी ले ली लेकिन जिनका भी कहना है जो पार्टीशन से खुश नहीं है वो दो बात बताएं एक तो पार्टीशन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया उनके क्रिटिक्स का कहना है और दूसरा उन्होंने यह कहा दूसरा उन्होंने यह कहा कि देखिए ठीक है आप पार्टीशन को रोकना चाहते थे तो उनके क्रिटिक्स का मानना है कि जैसे वी डी सावरकर आए नाइनटीन में सक्रिय हुए हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में और एम एस गोलवलकर नाइनटीन में हुए कॉम्युनिस्ट तो खैर पहले से ही थे तो कॉम्युनिस्टों को चाहिए था या सोशलिस्ट पार्टीज को कि आप आर्थिक लोगों में फैलाओ कि भाई मुख्य विभाजन आर्थिक है धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं क्योंकि सच्चाई तो यह है और जो हिंदू महासभा या आरएसएस जैसे संगठन हैं या बाकी जो हिंदुवादी संगठन हैं वो सब सक्रिय पहले हो सकते थे लोगों के बीच जा सकते थे लेकिन लोगों के बीच क्या लेकर जाते अगर आप बताते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है तो उससे तो मुस्लिम संतुष्ट नहीं होते अदर रिलीजन के लोग संतुष्ट नहीं होते तो मुझे तो लगता है कि पहले इनको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना था दो में से एक बात है या तो अगर राष्ट्र बनाना है और राष्ट्र हमारा बहुसंस्कृतिक है तो उसको पहचानिए अब जो आपको जो विविधता है उस विविधता को बलपूर्वक आप एकता में नहीं बदल सकते डेमोक्रेसी के युग में तो आपको कुछ कॉमन एजेंडा स्वीकार करना होगा तो जो इसमें नहीं था अब इनके क्रिटिक्स का जो सबसे बड़ा चार्ज है वो ये है कि मैं थोड़ा सा इधर आपको दिखाऊं जैसे ये जिन्ना जिन्ना है तो जिन्ना के साथ दिक्कत क्या थी जिन्ना के साथ दिक्कत यह थी कि जिन्ना नेता थे 1940 तक या फोर्टी के अर्ली तक जिन्ना नेता थे लेकिन मुस्लिम माइनोरिटी प्रोविंस के नेता थे मुस्लिम अल्पसंख्यक जो, जो प्रांत है उसके नेता जिन्ना थे बॉम्बे में के तो थे वो कराची से थे आपको पता होगा उसके बाद कराची उस समय उसी में थी बॉम्बे के अंदर और बाद में सिंध अलग हुआ 1936 में तो ये बॉम्बे से थे फिर मतलब जो बॉम्बे है उसमें इनका सपोर्ट था वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे संयुक्त प्रांत में सपोर्ट था जहाँ तेरह से सोलह परसेंट के बीच मुस्लिम रहे होंगे या तेरह परसेंट के लगभग बिहार में इनका सपोर्ट था और जब 1940 में इन्होंने पृथक प्रांत का लाहौर प्रस्ताव लाया था तो वहाँ भी इनको सपोर्ट मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों से मिला था लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में इनकी पैठ नहीं बन पा रही थी इनकी चिंता का कारण था उधर आप देखते हैं आ, मतलब जो मुस्लिम नेता थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटर प्रोविंस में सीमांत गांधी दहार रहे थे वो बिल्कुल ही जिन्ना को कि इस टू नेशन थियोरी के बहुत ही बड़े क्रिटिक थे अल्लाह बख्श का नाम आपने सुना ही होगा अल्लाह बख्श जैसा राष्ट्रवादी नेता उधर बलूचिस्तान में भी नहीं और इधर पंजाब में सिकंदर हयात खान थे जो सबसे पॉपुलर मुस्लिम स्टेट था उसमें सिकंदर ने सबसे पॉपुलर तो खैर बंगाल था सॉरी लेकिन आकार था भी इसका बड़ा बलूचिस्तान का आकार बराहर उससे ज्यादा पॉपुलेशन इधर था बंगाल में ज्यादा था तो इसमें पंजाब में सिकंदर हयात खान था वो सिकंदर हयात खान का पूरा इक्वेशन था ऐसे कि मास्टर तारा सिंह एक सिख नेता थे उनके साथ गठबंधन था तो उसको अकाली दल के सपोर्ट पर और एक जाट नेता थे छोटू राम उनके सपोर्ट पर टिके हुए थे तो ये हिंदुओं के साथ इक्वेशन था उधर बंगाल में भी कहीं ना कहीं जो फजलुल हक की सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं बंगाली संस्कृति से भी प्रभावित थे और हिंदू की इक्वेशन के साथ भी खड़ी थी तो जिन्ना की दाल कहीं नहीं गल पा रही थी अब इनके क्रिटिक का मानना है कि जिन्ना को माइनॉरिटी से मेजोरिटी में या आप इसको ऐसे समझिए कि जिन्ना को मुस्लिम बहुल प्रांतों में रिकॉग्निशन दिलवाने में हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बड़ी भूमिका रही इन्होंने अनजाने ही जिन्ना के काम को हल्का कर, कर दिया जिन्ना डरा रहे थे मुस्लिमों को कि देखो आप नहीं रह पाओगे जैसे देखिए अब अव, अवसंख्यक जहां मुस्लिम हैं वहां तो चलिए मुस्लिम पहले से ही डरे हुए थे लेकिन जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे पंजाब में बंगाल में सिंध में तो उनको डर नहीं हो रहा था और जिन्ना के प्रोपोगेंडा से वो बहुत प्रभावित नहीं हो रहे थे वो अपने खुश थे खुद मस्त थे कि भाई हमें क्या दिक्कत है और फिर हिंदुओं से उनका अपना कुछ कहीं पर इकोनॉमिक इक्वेशन था कहीं पर ट्रेड का इक्वेशन था कहीं पर आ, मनी लेंडिंग से जुड़े हुए थे कहीं उनका गवर्नमेंट के साथ पार्टीज का इक्वेशन था तो वो चल रहे थे अपने तरीके से जिन्ना ने उनको डराया वन फैक्टर लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो नहीं डरते अगर हिंदुवादी संगठन डर पैदा करने में मदद नहीं कर देते मतलब अब ये भी बोलते थे कि भाई टू नेशन थियोरी को प्रकारांतर चाहे आप कह सकते हो कि इनके क्रिटिक्स का कहना है कि इन्होंने जो कल्चर नेशनलिज्म की बात की या कुछ कुछ शब्दावलियां इनकी तरफ से आती थी तो जिन्ना को एक अवसर मिल जाता था और उनको डराने का कि देखिए अभी आप अपने आप मेजोरिटी में हो लेकिन ध्यान रहे जब सेंटर में हिंदू की सरकार होगी तो आपकी सरकार को प्रोविंस में कर देगी तो अब आपको मैं कंक्लूडिंग पॉइंट पर लाता हूं इनके क्रिटिक्स का यह मानना है कि देखिए तीन मुसलमानों का महकमा था एक तरफ सर सैयद अहमद खान से जिन्ना तक जिनको आप कहोगे कि जिनमें वेस्टर्नाइज टेम्परामेंट के मुस्लिम थे जो केवल और केवल अवसरवाद के खातिर सांप्रदायिक बने थे ताकि हम शक्ति को प्राप्त करें तो इन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस अशराफ मुसलमानों के एक वर्ग को खींच रही थी दूसरी तरफ थी कि जो परंपरावादी मुसलमान थे जो कही न कहीं ना कहीं देवबंद स्कूल से या इस प्रकार के संगठन से जमात इस्लामी से या फिर अहरान मूवमेंट आदि से जुड़े हुए थे तो ये कहीं ना कहीं ये कौम की बात करते थे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें हिंदुस्तान के इंडिया के मुसलमानों के लिए एक नेशन बनाना है और ये मानते थे स्काई लिमिट मतलब पूरा का पूरा उमा की बात करते थे ये पूरा उमा है ये सॉरी ये ये कौम की बात करते थे उमा की बात करते थे मतलब पूरा हमारा ये पूरे मुसलमानों का स्वर्ग होगा और तीसरी तरफ थे जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस के मुस्लिम थे जो कहने के लिए तो मुस्लिम थे लेकिन उनका इक्वेशन हिंदू और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ था और वो जिन्ना के प्रभाव में नहीं थे तो 1937 के चुनाव में जिन्ना की हार का कारण बहुत बड़ा यही था लेकिन जब उधर से हिंदूवादी संगठन ने भी जब अपनी एक्टिविटीज दिखाई तो जिन्ना को इन एलिमेंट्स को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने में आसानी हो गई और जिस कारण से और भी विभाजन की संभावना बढ़ गई ये इनके क्रिटिक्स का मानना है अब नाउ बॉल इज योर कोर्ट आप कोई भी जज कोई भी आपका जजमेंट फुल एंड फाइनल नहीं होगा जो आप होगा वो जजमेंट वो विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद तभी आप फुल एंड फाइनल जजमेंट ले सकते हैं लेकिन हाँ एक पर्सपेक्टिव आप जान सकते हैं और हमने आपको यह पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की कि इनका क्या पर्सपेक्टिव है उनका क्या है उनका क्या है और इन पर्सपेक्टिव को देखते हुए आप फिर भी जजमेंट लेने में जल्दबाजी ना करें आप मेरे विचार से कुछ तथ्यों को भी वेरीफाई कर लें और अगर आप कुछ और सोर्स को तलाशना चाहते हैं तो तलाश लें कि क्या जस्टिफिकेशन आता है विभिन्न पार्टियों का हमने जो इन जितनी भी पार्टियों को देखा तो मुद्दा यही नहीं है कि हमारा पास्ट गया अब यह हमें तय करना है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है फ्यूचर में हमारा संविधान हमारे जो वैल्यू सिस्टम है वो एक सेकुलर स्टेट का वैल्यू सिस्टम है जिसमें जो नेशन बिल्डिंग है वो नेशन हमारा एक एक कह सकते हो कि विविधता में एकता का उदाहरण है जिसका जिसमें हमने यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशन बिल्डिंग को नहीं लिया है हमने आप कह सकते हो डाइवर्सिटीज़ को ही अपनी ताकत बनाई है तो अगर इस डाइवर्सिटीज़ को हमें ताकत बनाकर चलना है तो जितनी पार्टियों का हमने देखा है जैसे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंक्रीट कुछ कर नहीं पाए जो हिंदुवादी संगठन है उनकी बेसिक आइडियोलॉजी में ही समस्या थी और बाकी कोई उस समय इस तरह के कौन से नेता ठीक है हमने कांग्रेस को रिजेक्ट किया कांग्रेस को डिसक्वालीफाई किया कि कांग्रेस को कुछ करना चाहिए था कांग्रेस ने नहीं किया ठीक है ये हम अपनी बात अब तो थोड़ा सा बता रहे लेकिन जरा आप हमें यह बताइए कि कौन सी पार्टी उस विकल्प में खड़ी है जिनको हम जगह दें क्योंकि बाकी का तो और भी डिशमल परफॉर्मेंस रहा कुछ की आइडियोलॉजी समझ में नहीं आ रही कुछ का कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहा तो ऐसी स्थिति में अब आप यही समझें कि पार्टीशन हुआ बहुत दुख की बात है और लोगों ने सफ़र किया ये बहुत पीड़ा की बात है ये बहुत दर्द की बात है अनायास ही आंसू गिर जाते हैं जब वो दिन जब वो पुस्तकों को पढ़ता हूँ जैसे अदर साइड ऑफ साइलेंस जैसे पुस्तकों का नाम या आपने शेडो ऑफ पार्टीशन बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी हुई है जो पार्टीशन लिटरेचर सादा सा मंटो का तोबा तेख सिंह पढ़ा हुआ है मूवीज़ में आप देखेंगे पिंजर मूवी देखेंगे आप गर्म हवा मूवी देखेंगे तो इन सभी मूवीज़ को देखने के बाद आपको पार्टीशन का आप तमस सीरियल को देखेंगे आप ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ेंगे तो इन सबों को देखने के बाद आपको इसका एक बड़ा अगली फेस नजर आएगा लेकिन जब पीछे हम हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन में जाते हैं तो फिर निराशा ही होती है तो जैसा ध्यान कर लें कि हम लोग इस चीज़ को समझें कि हमें क्या याद रखना है हमें इन बातों को याद रखना है कि देखिए जो संप्रदायवाद है वो बड़ा स्लो प्वाइजन का काम करता है कब हमारे मस्तिष्क को दूषित कर देता है पता नहीं अब लास्ट में मैं बस समाप्त कर रहा हूं क्या भूलें क्या भूलें क्या भूलें मतलब व्हाट टू फॉरगेट व्हाट टू फॉरगेट तो फॉरगेट ये करना है हमें भूलना ये है कि भले ही दस लाख बीस लाख जो भी लोग मारे गए उसमें यह नहीं काउंट करना है इसमें हिंदू कितने मारे गए मुसलमान कितने मारे गए इनमें उन चेहरों को नहीं पहचानना है कि देखो ये हिंदू का फेस है या मुसलमान का फेस है नहीं तो फिर आगे इसकी कड़ी पर कड़ी जुड़ती चली जाएगी हम इस बात को भूलें कि जो मारे गए वो कितने हिंदू और कितने मुसलमान थे बल्कि सिर्फ यह याद रखें कि वह इंसान मारे गए वह इंसानियत का कत्ल हुआ और वो इंसानियत का कत्ल कत्ल और बहसीपन ऐसा आया कि एक सामान्य इंसान हैवान बन गया तो ये बात अगर हमें ध्यान रहेगी और अगर हम चेहरे और हिंदू और मुसलमान के काउंटिंग को भूल जाएंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा हम यह भी एक मिनट के लिए भूल जाएं कि किस तिथि को यह घटना शुरू हुई केवल यह याद रखें यह यह गहतना, गहतना कि यह घटना शर्मनाक घटना हुई जिसमें मानवता की हत्या हुई तो इसलिए मैं चाहूँगा मैं जो ऑडियंस है और जो आ, मेरे स्टूडेंट्स हैं वह इस चीज़ को समझे आज का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर था ना चाहते हुए भी हमें सारे पक्षों को रखना पड़ा और मेरा लेक्चर भी लंबा हो गया अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जरूर देखें अगर एक बार में तो समस्या हो सकती है तो आप पार्ट में बाँट कर देख लें और आज तक मैंने कि अपने किसी भी लेक्चर में चूँकि मैं सारे लेक्चर में खुश खुश गया हूँ एक केवल अफ़गानिस्तान वाले में पिछली बार दो बार से दो टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा मेरा मन भी थोड़ा सा उदास हो जाता है तो आज मेरा भी जब पूरे पार्टीशन के बारे में याद आया तो अनायास ही चेहरे पर उदासी छा गई हम आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट करेंगे आज तक कभी नहीं किया है कि इस लेक्चर को आप जितना शेयर कर सके उतना बढ़िया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी के स्टूडेंट्स के भी या नई पीढ़ी के बच्चों के सामने भी पार्टीशन की चीजें जाए और वे सब खुद ही कोशिश करें यथासंभव न्यूट्रल होकर जजमेंट करने का क्योंकि गांधी जी के बारे में महान नेताओं के बारे में जिस तरह की शब्दावलियाँ और जिस तरह के पोस्ट में देखता हूँ तो कई बार बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है मुझे लगता है कि इतिहास न समझने के कारण इस तरह की बात हुई है इसलिए इतिहास सभी का जस्टिस सभी को न्याय देता है आगे भी इतिहास इस प्रकार का न्याय देता रहेगा तो आज मैं इतना ही अब मैं आऊँगा लेकिन किसी टॉपिक के साथ कभी भी अब सैटरडे को कंपल्सरीली आप हमारी प्रतीक्षा मत करिएगा हाँ हम आएंगे लेकिन किसी खास टॉपिक किसी खास मुद्दे के साथ जो मैं आवश्यक समझूंगा कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं और मुझे आपको बताने चाहिए वाज इतना है विल सी यू थैंक यू वेरी मच